धीरे चलाना। अरे हाँ, ऑन द वे ही है भाई साहब, उसी के घर। अमा रुको, नहीं मिला तो जो मिला वो उठा लेंगे। हाँ हमें आप सबको बताते हुए बहुत ही गर्व और खुशी महसूस हो रही है कि हमारे महिला पुलिस थाने को बहुत ही अच्छे और पॉजिटिव रिव्यूज मिल रहे हैं। लोग हमारे काम की, हमारे तरीकों की, हमारे बर्ताव की बहुत तारीफ कर रहे हैं। कह रहे हैं कि पुलिस की अब छवि बदलती जा रही है, पुलिस अब सख्ती से नहीं पूरे जज्बातों के साथ लोगों से पेश आ रही है। अमा रुको बे, हाथ आओगे तो हड्डी पसली तोड़ देंगे। इनफैक्ट नेशनल न्यूज़पेपर में हमारा बहुत ही प्यारा सा आर्टिकल भी छपा है। सुनिए, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, पुलिस की बदलती तस्वीर, पूरे जज्बातों के साथ लोगों तक पहुंचने की कोशिश। अमा टोपा रुको, आज तो तुमको छोड़ेंगे। क्योंकि अब गलती को नहीं गलत सोच को बदला जाएगा। महिला पुलिस थाने के सराहनीय काम को हमारा सलाम। आज यहाँ छपाए, हमें पूरे यकीन है कि जल्दी हमारे डिपार्टमेंट को भी हमारा काम दिखाई देगा। जरूर दिखाई देगा मैडम सर, डीएसपी सर का खाना खत्म हो जाएगा तो दिखाई देगा। आखिरकार मैडम सर, ये आप ही की कोशिशों का नतीजा है। इस थाने पर कितनी मुसीबतें आई, क्या कुछ सहा है आपने। हम तो कहते हैं इस तारीफ की असली हकदार तो आप ही हैं। नहीं नहीं पुष्पा जी, हम सब हैं इसके हकदार। कभी भी बगीचे में एक फूल अकेला नहीं खिलता, जो किया है हम सबने मिलकर किया है। इनफैक्ट आप सबका नाम भी तो है इसमें। आभार SHO हसीना मलिक, SI करिश्मा सिंह, हेड कॉन्स्टेबल पुष्पा सिंह, कॉन्स्टेबल संतोष शर्मा और कांस्टेबल चीता चतुर्वेदी। एंड लास्ट नॉट लीस्ट, बिल्लू चंपत। यही लिखा है ना आगे मैडम सर? काहे बे, तुम्हारा नाम काहे लिखा रहेगा वहां पे? क्यों नहीं आएगा? अरे हम भी तो थाने की टीम के मेंबर है। पर बिल्लू जी, आप पुलिस फोर्स में नहीं हो ना? यहाँ पे सिर्फ ऑन ड्यूटी पुलिस वालों का नाम है। ये गलत है, ये गलत है मैडम सर, ये गलत है। आज तक मेरे बिना एक भी केस सॉल्व नहीं हुआ है। मैंने क्या क्या किया है इस थाने के लिए, क्या क्या बना हूं मैं चोर। वो तो तुम हो ही। हाँ, और ये चीते मेरा फ्लो मत काटना, मेरी बात पूरी होने दे। क्या क्या बना है इस थाने के लिए, केस के लिए? चोर, उचक्का, औरत, आदमी। वो भी तुम हो बेटा, आदमी भी हो तुम। यही आदमी ने मार खाया है, कभी कभी हवा खाई है, भगाया, नचाया, दौड़ाया है। एनकाउंटर होते होते रह गया, असली गोली लग जाती तो। क्या ये सब का सिला ये है? अपनी टीम के साथ एक नाम तक नहीं। ये जुल्म है मैडम सर, ये जुल्म है, ये नाइंसाफी है। टूट जाएगा प्रिंटर। हेलो, हाँ, अरे नेटवर्क आ रहा है, जा रहा है। एक मिनट। हाँ, पाई का हिसाब है हमारे पास, ऐसे कैसे नहीं देगा, देना पड़ेगा। हम किसी से डरते नहीं है। एक मिनट होल्ड कीजिए। हाँ जी बोलिए। ओ भाई साहब, ये हमारी कुर्सी है। बहुत अर्जेंट है। सुनिए। अरे मार्केट डाउन है तो क्या हुआ, मार्केट जब भी अप था तभी तो। अरे ये हमारी कुर्सी है। तभी तो लाखों भाई साहब, अरे तभी तो लाखों बनाए थे कि नहीं, तो देने तो पड़ेंगे ना। हमारा पेमेंट नहीं जाएगा कहीं, आप फिक्र मत कीजिए। क्या भाई साहब, आप मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो। जीते इनको समझा कि करिश्मा मैडम के चेयर पे बैठे हैं, अगर ये भी नहीं उठेंगे ना तो करिश्मा मैडम इन्हें ही उठा देंगी। मैं कैसा भी लगूं, मैं बहुत डेंजर आदमी है। मेरी वाइफ से पूछ लो, पूरा मोहल्ला थर्राता है आपके छोटे भाई के नाम से। हाँ याद है ना, विजय चौहान नाम है मेरा, उनको याद है, उनको।
बाद में बात करता हूँ, बाद में। मैडम का सीट है जिस पे बैठे हो तुम। सॉरी, बाद में बात करता हूँ। पता नहीं था आपकी जगह है। मतलब बहुत बड़े वाले टोपा आदमी हो तुम। बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हुए फोन पे बात करते हो, हमको पूरा शहर का चक्कर कटवाते हो, फिर हमारे ही थाना में आके हमारा कुर्सी पर बैठ के पसरे हुए हो। क्या भैया, जिंदगी से संबंध खराब हो गया तुम्हारा? वाह, इतनी स्ट्रिक्ट महिला अफसर तो मैंने पहली बार देखी। ऐसे रूल तोड़ते रहोगे ना तो आगे भी बहुत बार देखोगे। नहीं नहीं नहीं, नहीं मैडम, मैं कैसा भी लगूं लेकिन मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ। आप पूरे मोहल्ले से पूछ लीजिए, पूरा मोहल्ला कसम खाएगा मेरी शराफत की। कितना भी शरीफ आदमी होगे ना, अपना घर पर होगे। चीता चतुर्वेदी, इनका लाइसेंस लो और इनका केस फाइल करो अभी। एक 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 मिनट चीता भाई, एक मिनट एक मिनट। मैडम मैडम देखिए, मैं सच कह रहा हूँ, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। घर में मेरे साथ क्राइम हो रहा है, मैं आपको क्या बताऊँ। मेरी बीवी से मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे आप लोगों की काइंड हेल्प की जरूरत है। नमस्ते मैडम, मेरा नाम विजय चौहान है। शहर के टॉप 5 शेयर ब्रोकर्स में मेरा नाम आता है। मेरी वाइफ से पूछ लीजिए। मैं शक्ल से कैसा भी लगूं लेकिन शेयर मार्केट का जीनियस हूं, जीनियस। ये रहा मेरा कार्ड, अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का मन करे आपका तो बंदे को याद कर लीजिएगा, 5 साल में पैसा डबल। एक मिनट। हेलो, अरे पेमेंट हो जाएगा, बाद में बात करता हूँ। एक्सक्यूज मी, आप अपनी बीवी के बारे में बता रहे थे। वाइफ? हाँ अनीता, क्या बताऊँ मैडम, जिंदगी हराम हो गई है मेरी वाइफ की वजह से। तो एक काम करो, वाइफ को कुछ दिनों के लिए मायके छोड़ा, वो अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। नहीं नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है, मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम ये सब करके देख चुके हैं। हमारे लल्ला को भी साथ में लेके गई, बताओ, 3 महीने वापस आने का नाम ही नहीं लिया, हाथ पैर जोड़ के वापस बुला लिया। हाँ तो किसने कहा था ये प्लान बनाने के लिए कि हमें मायके छोड़कर आए? कोई प्लान मैन नहीं बना था, थोड़ा कुछ गलत लगा सो बोल दिया था। आपके जैसे झगड़ालू प्रवृत्ति के नहीं है। मतलब हम झगड़ालू है? हमारा मुंह मत खुलवाइए अब आप। हाँ चीता भाई, ये दोनों सास बहु की तरह क्यों लड़ रही है? सास बहु ही है। पुष्पा जी, आप हमेशा हमको ही बोलती है। मिस्टर विजय, एक बात हमें समझ नहीं आ रही है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप अपनी बीवी से बहुत परेशान हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आप उससे बहुत प्यार करते हैं, ये मामला क्या है? हाँ हाँ बोलो अनीता। बिज्जू, 4 बज गए हैं। हाँ जानता हूँ। लड्डू खाए? हाँ खाए। गुड बाय। बाय सोना, लव यू। लव यू टू। मैडम बात ऐसी है कि मेरी बीवी किसी बाबा रंगरसिया के पास जाती है, रोज उनका सत्संग लगता है, बहुत सारे भक्त हैं उनके, और उसी बाबा के कहने की वजह से वो रोज सुबह शाम मुझे लड्डू खिलाती है। अब आप ही बताइए मैडम, मैं कैसे पीछा छुड़ाऊं इन लड्डुओं से? आपने अपनी बीवी को कभी पूछा कि इतने सारे लड्डू वो क्यों खिलाती है? पूछा मैडम पूछा, जितनी बार पूछता हूँ ना, ये डॉल हाउस मेरे सामने रख देती है। अब बताइए, ये गुड्डे गुड्डियों के साथ खेलने की उम्र है मेरी? ये बाबा क्या नाम रंगरसिया, इसका क्या चक्कर है? पता नहीं मैडम, पिछले कुछ दिनों से अनीता बाबा के पास जाने लगी है। पता नहीं क्या जादू चला दिया है बाबा ने। 2 दिन पहले मैंने उसे सोने के कंगन ला कर दिए, उसने बाबा को दान कर दिए, कह कर के बाबा के लड्डू काम कर रहे हैं, इतना तो बनता है। सोने के कंगन? असली सोना का? अरे बाप रे, मेहरबानी करके मुझे बाबा से बचाइए, ये बाबा की वजह से ना मेरी गृहस्थी बर्बाद हो रही है। शक्ल से मैं कैसा भी लगूं लेकिन मेरा नाम विजय चौहान है और मैं बहुत दुखी हूँ। ठीक है मिस्टर विजय, हमें कुछ कुछ समझ में आ रहा है, आप घबराइए मत, इत्मीनान से घर जाइए, हम देखते हैं क्या हो सकता है। डोंट वरी, हम आपकी गृहस्थी खराब नहीं होने देंगे। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अनीता को इसके बारे में नहीं पता चलना चाहिए, बेचारी हर्ट हो जाएगी। ठीक है आप जा सकते हैं। 2 मिनट रुको भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब सुनिए ना, आपके जो बाबा जी हैं उनके यहाँ गुस्से पर काबू पाने के लिए कोई लड्डू मिलते हैं क्या? पुष्पा जी,
नहीं वो मिल जाते तो। पुष्पा जी, मैं शक्ल से कैसा भी दिखूं लेकिन मैं बहुत बिजी आदमी हूँ। हेलो, हाँ हाँ जी, ये डॉल हाउस लेकर जाइए। नहीं नहीं, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने रास्ते से खरीदा था कि अनीता मुझसे क्या क्या करवाती है। हेलो, हाँ हाँ हाँ, ओके मैडम। सुनो, रख लो। मैडम आप भी ना, मेरी कोई उम्र है क्या डॉल हाउस के साथ खेलने की? उम्र दिमाग से होता है, शरीर से नहीं। समझा नहीं आपने क्या कहा मैडम, पर रख लेती हूँ। इट्स क्यूट। पुष्पा जी, जी आप इनकी बीवी अनीता से मिलिए, पता लगाइए कि कहानी क्या है। और बिल्लू को भेज दीजिए आश्रम बाबा का भक्त बनाकर, वो वहाँ जाकर कोई इनसाइड इन्फॉर्मेशन लेकर आएगा। यस मैडम सर। मैडम सर, आप क्यों खामखा सरकारी पेट्रोल और वक्त दोनों खराब कर रही हैं? हमें ऑर्डर दीजिए ना, हम पकड़ के लाते हैं ये रंगरसिया बाबा को, और अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। करिश्मा सिंह, ये बहुत ही सेंसिटिव केस है, इसलिए इसे हमें बहुत प्यार से हैंडल करना होगा। आप सिर्फ उस रंगरसिया बाबा के बारे में पता लगाएंगे, और जब तक हम आपको परमिशन नहीं देते आप कोई एक्शन नहीं लेंगे। इज दैट क्लियर? क्लियर। बिल्लू जी, प्लीज प्लीज मान जाइए ना, आपको आपका फेवरेट काम ही करना है, जासूसी। बिल्लू द स्पाय। प्लीज बिल्लू जी, आपको ना बस वो रंगरसिया बाबा के आश्रम में उनका भक्त बन के जाना है और उनसे सारी डिटेल्स निकलवानी है, बस। थाने के लिए इतना सा नहीं कर सकते बिल्लू? अरे बिल्लू बेटा मान जा। इतना सा? कितना कुछ किया इस थाने के लिए, हर बार हर केस में अपनी जान हथेली पर लेकर इस थाने का साथ दिया, उसके बदले में क्या मिला? अखबार में एक नाम तक नहीं। बिल्लू जी प्लीज लिसन ना, वी नीड योर हेल्प। संतोष जी बस 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 बस, आज मैंने तय किया है, आज के बाद इस थाने के लिए मैं कुछ नहीं करूंगा। जहां क्रेडिट नहीं वह बिल्लू चंपत नहीं। बिल्लू भैया बिल्कुल सही कहा आप, एकदम सही जा रहे हो। अरे यार चोर चंडाल हो चुका हुआ इंसान, तो इंसान की इज्जत होना चाहिए, बिना इज्जत सम्मान के इंसान की जिंदगी जिंदगी थोड़ी। हाथू, अरे कुत्तों वाली जिंदगी जीने से क्या फायदा, कभी इधर लेटे कभी उधर लेटे, कभी इधर चाटा कभी उधर चाटा, हैं? बताओ ये कोई जिंदगी है? नहीं, 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 बताओ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बेइज्जती वो नहीं ये है जो अब हो रही है। चीता प्लीज प्लीज इनको समझा दे। ए बिल्लू, ए चुप रह, ए चुप ना चित्त भाई, चित्त भाई चुप ना, बेइज्जती हो रही है यार। संतोष जी आप चिंता मत कीजिए, हम आगे ना, हम समझाने में एक्सपर्ट हैं। का है बिल्लू? अरे ये क्या खाक समझाएगा संतोष जी, मैं हूँ ना, मैं पूरा कॉलेज चलाता हूँ समझाने का, आप बस प्यार से मुझे बताइए कि किसको क्या समझाना है। ओके। कुछ जल रहा है क्या? अरे यार गैस धीमी करो, बिरयानी जला दोगे का? गैस कम करो। धीरे धीरे समझ रखी है। नहीं मानोगे ना तुम लोग, हैं? ससुर चुप। संतु जी कितनी ज्यादा ना समझ है आप। संतु जी इधर आइए, इधर आइए, इधर बैठे यहाँ पे। आपको ना बिल्कुल समझता ही नहीं है कि कब किसको कहाँ पे कैसे और क्या समझाना है। जब एक बार हम बोल दें कि हम समझा देंगे तो बार बार अलग से समझाने का जरूरत है? सॉरी समझा देंगे हम। अरे समझाना भी एक आर्ट है जो इसके बस की बात नहीं है, मेरी है। संतु जी आप मेरे पास आइए और प्यार से मुझे समझाइए, आइए। ओके संतु जी, एक मिनट। बार बार तुम तुझे पता है सनी ने मुझे गिफ्ट दिया था, ये दिया था? हाँ मैंने कितने प्यार से गिफ्ट किया था संतोष जी। प्यार से फोन दिया था, तूने तोड़ दिया, अब मैं तेरे से बात नहीं करने वाली। संतोष जी हम गिफ्ट कर दिया था, उन गिफ्ट कर दिया था संतोष जी। समझाने आए थे ना? हाँ। किसे? अबे तुझे। आ तो समझाओ ना। आ तो सुन ना। हाँ। तो बिल्लू, तेरा इस बात का बुरा मानना कि अखबार में तेरा नाम नहीं आया, ये बहुत बड़ी बेवकूफी है तेरी। हाँ? अरे तू तो स्पाई है, स्पाई बिल्लू द स्पाई, और अगर अखबार में तेरा नाम आए तो काहे का बिल्लू स्पाई? स्पाई तो ये होता है कि अगर तू चार पाए पे सोए तो चार पाए के किसी पाए को भी पता ना लग पाए दैट यू आर द बिल्लू स्पाई। कुछ समझ में आए? हाँ। तो बेटा तुझे तो गुमनाम रह के इस थाने की मदद करनी पड़ेगी, समझ में आया जो समझाना है? समझ गया चट्टे, जिंदगी में पहली बार समझदारी की बात की है। ए! बिल्कुल तू दिल पे मत ले, मैं जा रहा हूँ अपना फर्ज निभाने।
और उस बाबा रंग रसिया को अपने जाल में फंसानी। विश मी लक, गुड लक। अरे सुनते तो जा। सनी चल। कहाँ? मेरा फोन ठीक कराने। संतू जी मैं आपका, मेरा टाइम भी आपका। हम हैं ना संतू जी। शाहरुख खान का बड़ा फैन मालूम हो रहा है। छोटे छोटे लड्डू, बड़े बड़े काम, जो खाए बन जाए उसके बिगड़े का। बोलो बाबा रंग रसिया की। मैडम आप अंदर नहीं जा सकते। अच्छा क्यों नहीं जा सकते? मैडम अंदर बाबा का सत्संग चल रहा है, अगर आप सत्संग में बैठना चाहती हैं। नहीं हमको सत्संग में नहीं बैठना है, हमको बाबा से मिलना है। ठीक है उस मैडम। प्रेम शांति। यस मैडम। आप कौन? योगेश ईश्वर लाल महेश चंद योगी, YIM योगी। बाबा रंगरसिया का मैनेजर हूँ, यहाँ का पूरा कार्य संचालन मैं ही देखता हूँ। बताइए क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी। प्रेम शांति प्रेम शांति। हमको आपके बाबा से मिलना है। अरे मैडम जैसा कि आप देख रही हैं, ये तो संभव ही नहीं है। ध्यान में है ना बाबा? आप बताइए क्या बात है मैडम। हमने सुना है कि आपके बाबा आशीर्वाद के बदले सोना लेते हैं। क्या बात कर रही है मैडम, मिथ्या है। अरे बाबा तो अपने किसी भी भक्त से कुछ लेते ही नहीं है, परंतु स्वयं यदि कोई भक्त अपनी स्वेच्छा से बाबा के चरणों में कुछ अर्पण करना चाहे तो बाबा उसका दिल भी तो नहीं तोड़ सकते ना। बाबा अपने भक्तों का सभी कष्ट दूर कर देते हैं। ये देखिए इनमें से किसी भी तरह का कोई भी कष्ट हो बाबा उसको अपने आशीर्वाद से पूर्णतः ठीक कर देते हैं। शादीशुदा जिंदगी में प्यार की कमी। जी रूठे बीवी को मनाकर वापस जिंदगी में प्यार भर दे। बिल्कुल पहले प्यार की वापसी। सत्य वचन। टूटा दिल जोड़ दे। 100% समझ गए। आपके बाबा लगता है बहुत गहरे ध्यान में हैं। जी 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 बहुत गहन ध्यान में हैं बाबा, और जब भी बाबा अपने गहन ध्यान में होते हैं तो स्वयं में ही पूर्णता विलीन हो जाते हैं। यदि समय प्रलय भी आ जाए तब भी बाबा का ध्यान भंग नहीं हो सकता। हमें आपके बाबा का सत्संग ज्वाइन करना हो तो उसका प्रोसीजर क्या है? मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगा नहीं। अच्छा दिखाऊंगा भक्त बंधु। भक्त बंधु यहाँ आइए जरा। मैडम उत्तेजना में नहीं, प्रेम शांति प्रेम शांति। मैडम ये भक्त बंधु बिल्लू है,
बिल्ला, इन्होंने आज ही हमारा आश्रम ज्वाइन किया है। भक्त बंधु बिल्लू, मैडम को प्रोसीजर समझाइए भाई। जैसी आज्ञा। प्रेम शांति, प्रेम शांति, प्रेम शांति। आ जाओ मेरे गले लग जाओ। वो तुम्हारा दिमाग खिसक गया है क्या? प्रेम शांति, प्रेम शांति, प्रोसीजर बता रहे हैं। आ जाओ हमारे गले लग जाओ। प्रेम शांति, प्रेम शांति, प्रेम शांति, प्रेम शांति। देखिए मैडम, कितना प्रेम भरा मनोहारी दृश्य है। ठीक इसी तरह यहाँ जो भी आता है प्रेम में डूबकर बाबा रंग रसिया का हो जाता है और बाबा भी उसे अपना भक्त बना लेते हैं। आलिंगन कीजिए, अब आपकी बारी है। प्रेम शांति, प्रेम शांति। प्रेम शांति, प्रेम शांति। आप क्या कर रही हैं मैडम? आप हमारे बाबा के ऊपर रिवॉल्वर तान रही हैं। घृणा अशांति। हम तो बस ये देख रहे थे कि बाबा का ध्यान कितना पक्का है। मान गए तुम्हारे बाबा को और उनके ध्यान को। मिलते हैं। प्रेम शांति, प्रेम शांति। मैडम सर ने विजय की बीवी अनीता को ढूंढने भेज तो दिया, लेकिन कहीं दिख भी नहीं रही है वो। विजय ने तो कहा था कि अनीता रोज इसी मार्केट में इसी समय सब्जी लेने के लिए आती है। अभी तक आई कैसे नहीं? फिर सब बकवास भिंडी लाए हैं आप। भिंडी कैसे थी भैया? 50 रुपए किलो माँ जी। हाँ दीदी, 50 रुपए किलो। हाँ अरे भिंडी चुन रही हो कि मोती के दाने? ऐसे एक एक भिंडी चुनोगी तो रात हो जाएगी। लौकी देना। अरे रात होती है तो होने दो, लेकिन भिंडी तो मैं अच्छी ही चुनूंगी, उन्हें बहुत पसंद है ना। तुम्हारे पति को? हाँ। बड़ी चाव से खाते हैं वो भिंडी, पता है वो तो इंतजार करते रहते हैं कि कब भिंडी बने और कब उन्हें भिंडी खाने को मिले। और वैसे भी अगर कोई चीज अच्छी बनाए हो तो वो मन को भी अच्छी लगती ना, है कि नहीं? बात तो सही है। कितना हुआ? 50 रुपया। 50 रुपए? हाँ जी 50 रुपए किलो जी। हाँ ठीक है ठीक है, ये तोल दीजिए। हाँ जी। बहुत प्यार करती हो अपने पति से? और उनसे नहीं करूंगी तो और किससे करूंगी? वही तो है मेरे लिए सब कुछ। ये लीजिए भैया। कुछ कर पुष्पा, ये तो जा रही है। वैसे तुम्हारी हाथों की उंगलियां देखकर ही लगता है कि तुम अपने पति से बहुत प्यार करती हो और वो भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। आपको हाथ देखना आता है? हाँ थोड़ा बहुत सीखा है अपनी अम्मा से। क्या बात है, अब मेरा हाथ देखिए ना। अरे अरे प्लीज। अच्छा चल। ये तो कमाल की बात है पुष्पा जी, पति पत्नी दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं फिर भी उनके बीच ये बाबा कैसे आ गया? मतलब एक ऐसे आइडियल कपल जो एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए हैं, उनके बीच ये गुंजाइश ही कैसे बने कि कोई उन्हें आकर बताए कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं? यही तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है मैडम सर। अनीता जैसी बीवी मिलना मतलब सच में बहुत भाग्य की बात है, वरना हमारे लल्ला की तरफ देखिए। खैर हमारे कहने का मतलब यह है कि अनीता विजय से बहुत प्यार करती है,
और उसको हर एक चीज याद है विजय की, जैसे वो पहली बार कब मिले, शादी का प्रस्ताव कब रखा, पहला दिया हुआ प्यार भरा खत, पहली सर्दियाँ, पहली छुट्टियाँ, यहाँ तक कि पहली देखी हुई फिल्म, सब कुछ याद है, दिन तारीख महीना साल सब। तभी तो हम कंफ्यूज हैं पुष्पा जी, हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि केस किसका बना है, मतलब कौन विक्टिम है और कौन। संतु सॉरी मैडम सर, पुष्पा जी। जी मैडम सर। विजय को थाने बुलाइए और उससे वही सारे सवाल पूछिए जो अनीता से पूछे थे, देखते हैं विजय को कितना याद है। यस मैडम सर। अच्छे से साफ करो। अरे हाथ भी लगाया ना तो फोड़ डालेंगे, दोनों फोन को फोड़ डालेंगे और इनका लाशें बाहर जाएगा थाने से, समझे? थोड़ा अर्जेंट है और कुछ नहीं। जितना अर्जेंट ये है ना उतने ही अर्जेंट हमारे सवाल है और उनके जवाब है जो आप देंगे अभी। दीजिए पुष्पा जी, पूछिए सवाल। आप हमें ये बताइए, आपने अपनी बीवी को पहला प्रेम पत्र कब और कहाँ लिखा था? नहीं मतलब ऐसे सवाल कौन करता है। अपनी बीवी को पहली बार आई लव यू ऐसा कब और कहाँ कहा था आपने? ये कैसे याद रहेगा शादी के इतने साल बाद। है मैडम क्या बात कर रहे हैं, इसे साल दर साल बीतने से प्यार थोड़ी कम होता है। इसे एग्जांपल के तौर पर आप हमी को ले लीजिए। हमारा शादी जिससे भी होगा ना वो 50 साल बाद भी हमसे सवाल करेगी नहीं तो दिन तारीख साल महीना मौसम टाइम सब कुछ जुबान पर पट से बता देंगे हम। प्यार करने वाले याद रखते हैं, भूलते नहीं, वो सिर्फ प्यार करते हैं। चीता भाई बहुत छलांग लगा रहे हो ना, एक बार शादी करो बाद में पूछेंगे तुमसे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। आज आपकी बीवी ने पहना क्या है? No idea. कल खाने में क्या बनाया था? कड़ी चावल। आपकी बीवी का पसंदीदा रंग कौन सा है? रंग याद नहीं। पहला गिफ्ट याद है जो दिया था उनको? ये याद है हमको, याद है। पूरे 2.5 लाख रुपए का हीरो का हार दिया था। अरे पीले और नीले डायमंड थे उसमें। आज की तारीख में उसका रेट कम से कम 10 लाख रुपया होगा। आपकी बीवी का पसंदीदा गाना कौन सा है? गाने तो इतने सारे हैं, मैं क्या बोलूं आपको? कोई एक। एक? एक मतलब डिफिकल्ट है। उनका पसंदीदा डिश? डिश। तो पसंदीदा रेस्टोरेंट? ये याद है, सार्वजनिक भोजनालय। नहीं सॉरी, अपना भोजनालय। नाम थोड़ा डाउन मार्केट लगता है लेकिन बहुत पॉश रेस्टोरेंट है। 2500 का बिल हमेशा होता है, महीने में 2 बार जाते हैं हम। लास्ट टाइम तो 6500 का बिल हुआ था मैं। वाह बहुत बढ़िया, मतलब पत्नी का कुछ याद होना हो लेकिन उस पर खर्चा कितना किया है ये बहुत अच्छे से याद रखे। वाइफ है, याद तो रखना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल। लेकिन मैडम ये सब क्या हो रहा है, ये सब सवाल मुझसे क्यों कर रहे हैं आप लोग? ये सब आपको मैडम सर समझाएंगी, फिलहाल आप जा सकते हैं, आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन लड्डू वाले बाबा? चल रहा है, इन पे भी कार्रवाई चल रहा है, बहुत जल्दी हमारे सामने आएंगे, फिलहाल आप जा सकते हैं। चीता चतुर्वेदी इनको बाहर छोड़कर आइए। चलिए सर आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। आओ चीता आइए, जरा छलांग वलांग लगा के पकड़ो बाबा को। हमारे हिसाब से अभी ये मिस्ट्री केस बिल्कुल मिस्ट्री नहीं रहा। हमें ऐसा नहीं लगता मैडम सर, करिश्मा सिंह ऐसा ही है। विजय और अनीता से बात करके साफ साफ पता चलता है कि उन दोनों के बीच का रोमांस खो गया है और इस बात का फायदा उठा रहा है वो रंग रसिया बाबा। मैडम सर ये सब बेकार बातें हैं, रोमांस कोई गाजर का हलवा थोड़ी ना कि अभी था और अभी खत्म हो गया। ये जो रोमांस है ना ये सब फिल्मी चोचले हैं, और अगर रोमांस होता भी है तो ऐसा कौन सा रोमांस है जिसमें बीवी अपने कंगन एक बाबा को दे देंगी। सही तो है ना।
आपको क्या पता रोमांस होता क्या है, इसलिए तो हमारे लल्ला का आधा जीवन बिना रोमांस के ही बीत गया। पुष्पा जी, रोमांस होता है करिश्मा से। रोमांस ही एक चीज है जो पति पत्नी के रिश्ते को तरोताजा रखती है। जैसे तड़के के बिना कोई भी सब्जी या दाल बहुत फीकी लगती है, ठीक उसी तरह रोमांस के बिना कोई भी शादीशुदा जिंदगी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। क्या बात है मैडम सर, आपका शादी नहीं हुआ है लेकिन फिर भी आप मैरिड लाइफ का इतना नॉलेज रखती हैं। क्या है ना करिश्मा सिंह, कि नॉलेज के लिए एक्सपीरियंस होना जरूरी नहीं है, बस एक प्यारा सा दिल होना चाहिए। देखिए वो डॉल हाउस, ये है हमारी अनीता और ये है अनीता का राजकुमार विजय, और ये है इनके बीच का रोमांस जिसकी कल्पना अनीता करती है। बस इसी रोमांस को वापस लाना है। मैडम सर, ये रोमांस का माजरा नहीं है, ये बात कुछ और है, कुछ गड़बड़ है। कोई गड़बड़ नहीं है करिश्मा सिंह, ये बस एक पति पत्नी के बीच के खोए हुए रोमांस का हल्का फुल्का सा केस है। तो ठीक है मैडम सर, लेकिन अगर ये केस वो निकला जैसा हम कह रहे हैं तो इस केस को हम अपने तरीका से निपटेंगे और आप हमें नहीं रोकेंगे। डन। ए ए बिल्लू, ए कहाँ हो गया बाबू, पगलाओ गला गए हो, कहाँ दिमाग हिल मिल गया है तुम्हारा, कहाँ हो, कहाँ कर रहे हो ये सब? नहीं नहीं, बस 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 बस, अभी यही करना है, सुबह शाम बाबा का नाम जपना है। जय हो बाबा रंग रसिया। ए बिल्ले, जरा हम भी तो देखे तुम्हारे ये बाबा रंग रसिया दिखते कैसे हैं। बाबा के दर्शन करने हैं? हाँ हाँ। ओहो बाबा, भक्त कनाए हैं, चलिए। जय हो बाबा रंग रसिया, रंग रसिया। आराम से, हाँ, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। अरे वाह, तो ऐसे दिखते हैं तुम्हारे रंग रसिया बाबा। हाँ, जय हो बाबा रंग रसिया। पुष्पा जी। हाँ पुष्पा जी, ये गलत बात है, ऐसा फोटो नहीं, नहीं, हाँ। नहीं गलत बात है, ऐसे फोटो नहीं पड़ते बार बार। जय हो बाबा रंग रसिया। बाबा इनको पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, इनको माफ कर दो बाबा। पुष्पा देवी, ये आपने क्या कर दिया, ये आपने ठीक नहीं किया, बाबा रंग रसिया की तस्वीर फाड़ डाली, एक उनके परम भक्त के दिल को ठेस पहुंचाई आपने। पुष्पा देवी आपने ये गलत किया, गलत किया बाबा। बंद करिए नौटंकी अभी। एक काम बोला था ना बाबा रंग रसिया के पास जाके पता लगाओ, कुछ संदिग्ध कार्यकलाप, कुछ गड़बड़, कुछ गैर कानूनी गतिविधि, कुछ पता चला? पता चला। क्या पता चला? देखा। क्या देखा? स्वर्ग। स्वर्ग में विचरती सुंदर सुंदर कन्याएं, उनका अनुपम सौंदर्य। आह बाबा रंग रसिया, जय हो। अमा कुछ ऐसा देखा कि बाबा किसी भक्त से अकेले में मिल रहा हो, प्राइवेट में ले जाके कुछ भेंट ले रहा हो, कुछ काम का देख के आए हो क्या? पता नहीं, मतलब कभी ध्यान नहीं गया हम तो। मैडम मैडम मैडम, आप किससे पूछ रही हैं? चेला हो गए ससुरी बाबा के, इसका भूत भी बताएगा अभी। भूत नहीं, हम वर्तमान हैं, हम जिंदा है बेटा बिल्ला। करिश्मा सिंह से पक्का ले रहे हो, तुमको लगता है तुम जिंदा बचोगे? बता वरना तुम क्या, तुम्हारा वो रंग रसिया भी एक ही बात बोलेगा, दरोगा जी देखे तो बहुत, तुमसा ना देखा। बताते हैं बताते हैं, अब बाबा के क्या कहने, अजीब अजीब उपाय होते हैं उनके, और उनके भक्तों से हमने सुना है अजीब अजीब उपाय होने के बाद भी बाबा के उपाय धीरे धीरे ही सही काम जरूर करते हैं। मतलब क्या उपाय, कैसे, कोई कुछ एग्जांपल दो ना। जैसे कि एक मास पहले एक सास अपनी बहू की परेशानी लेकर बाबा रंग रसिया के पास गई, अपनी बहू की परेशानी बताने। अब क्या बताए उस बहू के बारे में, बहू को तो गुस्सा इतना कि नाक पे रहता है। बहू बस नाम की है, घर घरेलू संस्कार बिल्कुल ही नहीं। और सास तो कहती रही कि मेरे बेटे की शादी के बाद मेरे बेटे के नसीब ही फूट गए। अब क्या बताए, तो क्या क्या उपाय क्या बताया बाबा जी ने? क्या बात है, बहुत इंटरेस्ट ले रही है पुष्पा जी। तो ये तो काम है ना हमारा, अब केस में ही तो इंटरेस्ट ले रहे हैं ना। केस में ही इंटरेस्ट ले रही हैं। हाँ तो अच्छा ही काम कर रहे हैं हम।
हाँ बताओ क्या उपाय बताया? उपाय बताया, एक मास तक उस सास को अपनी बहू की सारी बात ही माननी होगी। जली कटी कहे सुन लेना चाहिए, उसके पैर दबाना चाहिए, उसका सिर दबाना चाहिए, बस दिन रात अपनी बहू की सेवा करनी चाहिए। पकड़ी जानी चाहिए ऐसे फर्जी बाबा, जेल में डाल देना चाहिए, उनसे चक्की पिसवानी चाहिए। आता जाता तो कुछ है नहीं, उल्टे सुलटे उपाय बताते रहते हैं। नहीं 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 नहीं, सुनिए सुनिए पूरा सुनिए, क्या पता कोई हल निकल जाए। हाँ। एक बात बताइए हमको, यहाँ हमारे यहाँ कुछ लिखा है क्या? आप जैसे कहती रहती ना टोपा पुष्पा टोपा है, ऐसा लिखा है क्या? हम अनिता जैसे भोले भाले नहीं है जो ऐसे ढोंगी बाबाओं की बातों में आ जाएंगे, समझ गए ना आप? हमारा आश्रम जाने का वक्त हो गया, हम चलते हैं, वहाँ के लड्डू की हमें बहुत याद आ रही है। बिल्ला, हाँ हाँ, तुमको लगता है कि वो लड्डू में कुछ मिलाते हैं? पता नहीं, लेकिन लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। आते वक्त आपके लिए भी लेके आएंगे। जय बा, जय मैडम सर। जय हिंद जय हिंद। आप लोग सब जरा केबिन में आइए, बहुत जरूरी बात करनी है। जी मैडम सर। मैडम सर, संतु जी को बुला लें क्या? हाँ हाँ ऑफकोर्स जी। चलिए। संतु जी मैडम सर बुला रही है। हमने यहाँ पर आप सबको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क देने के लिए बुलाया है। हम समझते हैं कि शायद आपको ये टास्क थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन आप लोग हमें इतना तो जानते ही हैं कि हम कोई भी काम बेवजह नहीं करते। अब मैडम सर आप बताइए टास्क क्या है? लव लेटर लिखना है। आप सबने बिल्कुल ठीक सुना, आप सबको एक लव लेटर लिखना है। आप जिससे चाहते हो, मोहब्बत करते हो, प्यार करते हो या करते थे, उसके लिए एक लव लेटर लिखना है बस। हमको भी लिखना है? हाँ पुष्पा जी, सबको लिखना है। मैडम सर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अब लव लेटर लवर को लिखा जाता है ना? क्या भाई बहन को लव लेटर लिखते हैं? तुम मेरा कोई लवर नहीं है मैडम सर, अभी मैं इतनी शॉर्ट नोटिस पे लवर कहाँ से पैदा करूँ? सोशल मीडिया पर जेन्युइन लड़का नहीं मिलता मैडम सर, आपको भी कैसे पता होगा? आई नो मैडम सर, और अगर मैं पर्सनली अगर देखूँ तो पहले लड़का ढूंढना पड़ेगा, फिर दोस्ती करनी पड़ेगी, फिर उसे हिंट देना पड़ेगा, लेटर लिखना पड़ेगा, स्माइल करना पड़ेगा, मैसेज करना पड़ेगा, बहुत लंबा प्रोसीजर है मैडम सर। मैं कितना भी जल्दी ट्राई करूँ एक महीना तो लग ही जाएगा। संतु जी मतलब बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा। नहीं नहीं बिल्लू नहीं, हम अपना बात कर रहे हैं संतु जी। एक बार के लिए चलिए मान लीजिए कि हम आपके लवर हैं और आप हमसे प्यार करती हैं और हमारे लव लेटर लिख डालिए। मैडम सर हमें भी लव लेटर लिखना है? हाँ क्यों, कोई प्रॉब्लम है? एक मिनट, तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड है ना, क्या नाम है उसका? एलियन एलियाना थी, अब हीरा है, आश्रम में मिली, बस अब यही है, मिसेस बिल्लू चंपत बनेगी। बहुत बढ़िया बिल्लू, बहुत बढ़िया। मैडम सर आप हमारे थाने को प्रेम आश्रम बनाना चाह रही हैं, आप सबसे लव लेटर लिखवाना चाह रही हैं, इसकी वजह जान सकते हैं हम? तजुर्बा कहता है हमारा कि कुछ सवालों के जवाब वक्त पर छोड़ देना चाहिए तो बेहतर होता है। फिलहाल इसे ट्रेनिंग समझ लीजिए, शायद केस के काम आए। करिश्मा सिंह, हम जानते हैं कि आपके लिए बहुत ही मुश्किल काम होगा, ये रोमांस का मामला है ना, आपके मिजाज के खिलाफ है। शायद भूल रही हैं आप कि हमने लव मैरिज किया है और रोमांस के बारे में हमसे ज्यादा अच्छा यहाँ कोई नहीं जानता है। खैर ये केस है और हमारा मानना है कि केस सिर्फ डंडों से सॉल्व किया जाता है, ऐसे रोमांटिक हथकंडों से नहीं, इसलिए माफ कीजिएगा हमें तो इन सबसे आप भारी रखिए। हम जा रहे हैं केस सॉल्व करने अपने तरीका से, जाएंगे बाबा के आश्रम, पहले भक्तों को पकड़ेंगे, उसके बाद बाबा रंगरसिया को पूरे सपोर्ट के साथ। चलिए आप लोग भी फटाफट लिखना शुरू कीजिए, हमें कल तक सबके लव लेटर्स चाहिए। जी मैडम सर। डिसमिस्ड। जी मैडम। चीटी 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 चीटी। ए बिल ए चीटी आराम से आराम से। मैं देख रहा हूँ संतोष अभी भी तुझसे नाराज है। यार मिल ले यार।
जब से संतु जी का फोन टूटा है हमारा तो इतना जिंदगी खराब हो गया ना यार, इतना ज्यादा संतु जी नाराज चल रहे हैं यार हमसे यार। नहीं मतलब अभी जैसे फोन टूट सकता है वैसे तुम्हारा दिल भी टूट सकता है ना। संतोष बेचारी कब तक बचती रहेगी उस चट्टे जैसे टिड्डे से। टिड्डे की तो मैं अरे बाबा, अरे वो रंग रसिया बाबा एकदम चमत्कारी है, उनका एक बार आशीर्वाद ले लो संतोष जी तुम्हारी। दोबारा बता रहे हैं बाबा, फालतू बाबा, फर्जी बाबा का नाम हमारे सामने ना, हमसे खराब कोई नहीं होगा पहले का। अरे सुनो तो सही, अरे बहुत लोग जो भक्त है उनके उनके मुंह से सुना है कि बाबा रंग रहस्य के उनके दर्शन लिए बस उनको उनका प्यार मिल गया। क्या बात कर रहा है यार बिल्ले। वही संतोष जी तुम्हारी। लेकिन बिल्ले यार हाँ, करिश्मा मैडम को पता चल जाएगा बहुत दिक्कत हो जाएगा भाई। बिल्कुल नहीं पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? I have a plan. बिल्लू द स्पाई। जीती, बाबा से वार्तालाप हो गई है। आशीर्वाद और प्रसाद दोनों ग्रहण करना। आशीर्वाद तुम ग्रहण करना, प्रसाद संतोष जी ग्रहण करेगी। फिर तो संतोष जी आपके आगोश में होगी। सच में? सच में। बिल्लू कहाँ चला गया यार? यही पर है। इसका मतलब ये है कि संतु जी को अपने आप पर लड्डू करवाने के लिए भी बाबा का लड्डू लेने आया है। सत्यानाश, ये भी यहाँ पे आगे लड्डू लेने। इससे पहले कि हमको यहाँ पर देखे, हमको लड्डू लेकर यहाँ से निकल जाना चाहिए और इससे पहले संतु जी को लड्डू खिला देना चाहिए। लड्डू तो पहले मेरा ही खाएंगे संतोष जी बेटा, लड्डू लेकर निकलता हूँ। बेटा गर्क, ये कहां से आ गई? वाह चीते वाह, क्या टाइमिंग है तुम्हारी। तुमको भी तभी टाइम मिला था जब करिश्मा मैडम को यहाँ पर आना था। अगर करिश्मा मैडम ने तुमको देख लिया ना तो जिंदा नहीं बचोगे तुम। जल्दी से लड्डू लो और निकलो यहाँ से। मैडम प्रेम शांति, प्रेम शांति आप भी कीजिए ना। आ, कहती मत करो। मैं ये वाला लड्डू खाकर संतु जी जरूर हमारे पास चली आएंगी और हमारा बात मान जाएगी। चीता बेटे भाग ले इससे पहले कि सनी चड्डा पहुंच जाए संतु जी तक। आनंद के सागर में जा, जा, ओम शांति। शांति प्रेम शांति प्रेम शांति, स्वागत है मैडम आपका। बताइए क्या सेवा करूं? जितना भी सीसीटीवी है ना यहाँ पे और जितना भी अगरबत्ती है और जितना भी लड्डू तुम सबको बांट रहे हो वो हमको भी चाहिए। इसका क्या प्रयोजन है? इसका जवाब हम तुम्हारे बाबा को सीधा जाके दे तो कैसा रहेगा? उत्तम, अति उत्तम। बाबा अपने नयन चक्षु खोलिए बाबा, मैडम को आपसे वार्तालाप करनी है बाबा। दिल तो पागल है, बासीगर है, राजू बन गया जेंटलमैन है। बाबा रंगरसिया के आश्रम में आपका स्वागत है। कही? हमने सुना है कि आप अपने भक्तों से आशीर्वाद के बदले में सोना और ज्वेलरी लेते।
जब ऐसे 1, 2, 4 टाइप आरोप हमको लगते हैं ना मैडम, यकीन ना करेंगी आप, हमारा मन विचलित हो जाता है। जबकि सच तो ये है मैडम, हम तो हमेशा यहाँ पर मोहब्बतें बांटते हैं और हमेशा मोहब्बतें बांटते रहेंगे जब तक है जान। जाइए मैडम, इस वक्त हमारे भक्तों का टाइम है, ज्यादा सवालों से इसे कोयला मत बनाइए, वरना आप अच्छी तरीके से जानती हैं इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। सुना आपने मैडम, श्रवण शक्ति तो उत्तम है आपकी। शांति, प्रेम शांति। मैडम संभाल की, नौकरी ही तो है, क्या पता कल हो ना हो। मैडम ये क्या कर रही है, अनर्थ हो जाएगा। मैडम संभालिए, ये देखिए भक्तजन, देखो कैसे आग बबूला हो उठे। शांति शांति। नाराज हो गई मैडम, बहुत गुस्सा है इनके अंदर। देखिए मिस्टर विजय, प्लीज आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हम पर्सनली आपके केस को मॉनिटर कर रहे हैं, हम बहुत जल्द ये रंग रसिया के रहस्य तक पहुंच जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा बस 2 दिन और। नहीं, हम स्टॉक्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम केस की बात कर रहे हैं, हम आपका केस 2 दिन में सॉल्व कर देंगे जी। थैंक यू। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद जय हिंद। ये क्या हुआ, तुम लंगड़ा कर क्यों चल रहे हो? ओ करिश्मा मैडम का डंडा पड़ो। डंडा डंडा, करिश्मा मैडम का डंडा किसी को पड़ेगा तो वैसे ही चलेगा ना, हम तो बिना डंडा पड़े ऐसे चल रहे हैं क्योंकि बाहर मार्केट में हम गिर गए थे, इसीलिए हम वैसे ठीक हैं। एनीवेज आप सबके लव लेटर्स रेडी हैं? यस जी मैडम सर। हाँ है ना, ग्रेट, ले आइए। ऑल सेट पुष्पा जी, शुरू करिए। हम जी जी क्या हुआ? शर्मा रही है मैडम सर। आउच। ऐसे ऐसे ही शर्माती है ये, पहली बार जब मैंने देखा था तो मैं भी घबरा गई थी। वो इतने सालों बाद, मतलब बहुत सालों बाद लल्ला के पप्पा को खत लिखा है ना, थोड़ा सा लेटर। पुष्पा जी लेटर। हाँ हाँ पढ़ दे। प्रिय लल्ला के पप्पा, आप क्या गए, नींबू से तो जैसे रस ही चला गया, जीवन गन्ने के मशीन में बार बार डालकर निकाले गए गन्ने जैसा झाड़ू हो गया है। याद है जब पहली बार आपके माँ बाप ने हमें साथ देखा था तो क्या कहा था, कैसी राजमा चावल जैसी जोड़ी है, एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे। और याद है जब हम हनीमून पे जा रहे थे तो हमारा वो ट्रेन का पहला सफर, मूली के 12 पराठे एक साथ खाने के बाद आपका पेट जरा गड़बड़ा गया था और उसकी वजह से पूरा कंपार्टमेंट खाली हो गया था, तब पता चला कि आप कितने बुद्धिमान थे। आपकी तो ये चाल थी सबको वहां से भगाने की ताकि हम अकेले रहे उस रात। उस दिन के बाद तो हमारे लिए मूली के पराठों की खुशबू के मायने ही बदल गए। पुष्पा जी बस हो गया। नहीं नहीं अभी है थोड़ा बाकी। नहीं नहीं बस हो गया। कैसा लगा? बहुत बढ़िया। संतोष roses are red, sky is blue. Please make distance, I could have flew. Oh, इतना सुंदर मैडम सर, देख रहे हो विद द सोशल मैसेज, कितना सुंदर है। संतु जी आगे 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 सुनाइए एकदम। बस इतना ही है। हैं? मैडम सर इतने शॉर्ट नोटिस पे बिना बॉयफ्रेंड के तो ऐसा ही लेटर लिखा जाएगा ना। अच्छा नेक्स्ट बिल्लू। डियर हीरा, जब से तुम्हें देखा है दिल चाबियों की गुच्छे जैसा झनझना उठा है,
पता भी नहीं चला कब से मार कर मेरे दिल में घुस आई। मेरे मन के लॉकर का कॉम्बिनेशन तुम्हें किसने बताया? किसने बताया तिजोरी में कितना माल है? बिल्लू, चोरी चकारी के बिना तुम कभी कुछ लिख ही नहीं सकते ना। आपके मूली के पराठे से तो ये बेहतर है। मूली के पराठों की खुशबू का महत्व तुम नहीं समझोगे बिल्लू। नेक्स्ट। मोहब्बत हो तुम हमारी, यही तो है हमारी बीमारी, और एक बार जब खत्म हो जाएगी ये महामारी तो देखेगी ये दुनिया सारी कि मोहब्बत। ये लव लेटर डिस्पेंसरी में बैठ के लिखे हो क्या? बीमारी तुम्हारी महामारी लव लेटर लिखे हो या लड़की को बद्दुआ दे रहे हो? दो चार दवाई के नाम भी लिख देते ना। मैडम से ये है बाबा रंग रसिया का ट्विटर हैंडल। इसमें लगभग 40 ट्वीट्स ऑलमोस्ट डेली आते हैं और सबका एक ही टॉपिक होता है, प्यार से रिलेटेड प्रॉब्लम। अरे तो सब लोग यहीं पर भीड़ लगाए हुए हैं। ठीक है, बाबा वाला लड्डू और अपना वाला लड्डू दोनों अलग कर दे रहे हैं, फिर बाबा वाला लड्डू खाकर संतू जी हम पर लड्डू हो जाएंगी। संतू जी ये वाला दिखाओ। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद, जय हिंद, आराम से। पुष्पा जी, आप सब लोग को लड्डू बहुत पसंद है ना, हमारी माँ ने आप सब लोग के लिए अपने हाथ से लड्डू बनाकर भेजा है। हाँ? हाँ। अरे एक मिनट पुष्पा जी, आराम से, हम दे रहे हैं ना। लीजिए मैडम सर, आप भी लीजिए लड्डू। अरे नहीं नहीं, हमें इतना सारा नहीं चाहिए, रुको डब्बा दो। मैडम सर ये बस इतना सा। क्या हुआ चीता? क्या हुआ? अब जो होना था वो तो हो गया मैडम सर। चीता चतुर्वेदी। जय हिंद। रिलैक्स मैडम सर, रिलैक्स। गेम खेल रहे थे जी, लूडो खेल रहे। लूडो, सो क्यूट। क्या स्कोर हो गया है? कुछ है 20 लाख तक। 20 लाख? जी। वाह, तुम तो गेम में बहुत अच्छे हो, और सच कहें तो काम में भी बहुत अच्छे हो। इफ यू डोंट माइंड, कुछ पूछ सकते हैं? मैडम सर, तुम शाम को ड्यूटी के बाद क्या कर रहे हो? क्या? नहीं मतलब ड्यूटी के बाद फ्री हो तो। चीता चतुर्वेदी, क्या होना था? इच्छा थी हमारे माँ की, ये अपने हाथ के बनाए लड्डू आप सबको टेस्ट करवाया, तो खुद लेके टेस्ट कर ली मैडम सर। तो अम्मी से कहना कि बहुत अच्छे बने हैं एंड थैंक यू सो मच। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। संतू जी आप भी लीजिए, आंख बंद करके एक ही बार में पूरा खा जाइए। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। आइए आइए, ये देखिए क्या है हमारे पास। बाबा रंगरसिया के आश्रम से आप जो भी सामान जब्त करके लाई थी, ये उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट। कमाल की बात है ना कि सीसीटीवी में कुछ नहीं मिला, लड्डू में कुछ नहीं मिला, यहाँ तक कि जो आप फूल मालाएं जब्त करके लाई थी उसमें भी कुछ नहीं निकला। इसका मतलब आपके पास बाबा रंगरसिया के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। आपका प्लान तो फेल हो गया। फेल इसलिए हो गया मैडम सर क्योंकि हम आपका इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे थे। हमारा तरीका होता तो फिर रिजल्ट कुछ और आता। बाबा रंगरसिया की असलियत दुनिया के सामने लाना, यही एक तरीका है इस केस को सॉल्व करने का। ये नहीं, ये मजाक था मैडम सर। अच्छा, लेकिन जिस आदमी ने हमें ये भेजा उसे मजाक नहीं न्यूज लग रहा था। बहुत बढ़िया करिश्मा सिंह, हम इस थाने को न्यूज़पेपर में फेमस करते हैं, आप अलग से सोशल मीडिया पर फेमस कर दीजिए। अब भी वक्त है, संभल जाइए। संतोष शर्मा, बाबा रंगरसिया के जितने भी अकाउंट्स हैं, बैंक अकाउंट्स, ऑनलाइन अकाउंट्स, सब पर ट्रैक रखिए और हमें अपडेट करते रहिए। जी मैडम सर।
कुछ करना नहीं है, हमको करने नहीं देती है और ऐसे केस सॉल्व करेंगी। इतना तनाव अच्छा नहीं होता सेहत के लिए, थोड़ा शांत रहा करो। अभी के लिए तो ठीक है, मगर आगे चलकर जब शरीर जवाब मांगेगा ना, तब पता चलेगा। सुनिए तो जी। देखिए, हमारे पास एक उपाय है आपका ये टेंशन जो है ना वो दूर करने के लिए। अच्छा, बताइए पुष्पा जी। मगर उसके लिए आपको हमसे वादा करना पड़ेगा, आप जो भी करेंगी हमारे हिसाब से करेंगी। हम चाय नहीं बनाएंगे सुबह का। फिर वही घिसा पिटा चाय पे बवाल। देखिए, हम घर जाके बात करेंगे ना, हम अभी काम पे बात कर रहे हैं ना। देखिए, हम आपको अनीता से मिलवा सकते हैं, एकदम ऐसा पर्सनल लेवल पे, शायद आपके कुछ हाथ लग जाए। थैंक यू बोल के इस बात का मजा खराब नहीं करेंगे। कब मिलवा सकती आप? आज शाम 5 बजे। ठीक है। पुष्पा जी, कब आएगी वो? गाल फट के बाहर आ रही है, लेकिन आपको गोलगप्पा खाना। हाँ तो वक्त काटने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। आपके साथ बात करने से तो अच्छा है कि हम खाने के लिए मुंह चलाए। अच्छा। वो देखो आ गई। हाँ तो फिर चलिए ना। चल। सुनिए। हाँ, उसके साथ बात करो, मगर कैसे, दोस्त बनकर, प्यार से। हाँ, पुलिस बनकर नहीं। तो पुलिस दोस्त होती है? यही बात उसे भी समझानी है। अच्छा चलो। दे तो दू उसको, पैसे बाद में देते हैं। अरे भैया, ये आलू कैसे दिए? पुष्पा जी, अनीता। अरे कैसी आप? अच्छा पुष्पा जी, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बोलो ना। थोड़ा इधर आइए ना, आइए। ये, अरे ये तो घर की ही है, हमारी छोटी बहन है। बहुत दुखी है बेचारे, इसका पति जो है ना इसको बहुत मारता है। अरे चलता है, अनीता भी तो अपनी ही है। हाँ क्या हुआ, दो चार बातें बता दी तो है कि नहीं? हाँ बिल्कुल अपना ही समझिए मुझे। वो क्या है ना, वैसे तो हम पुलिस में है। हाँ, मगर इसको ना ये बात पुलिस तक लेके नहीं जानी, तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे। पुष्पा जी, हाँ मेरी राय तो ये है कि आप दोनों ना तुरंत ही बाबा रंगरसिया के पास पहुंच जाइए। वो एक इसमें ही आप लोगों की समस्या सॉल्व कर देंगे। टमाटर में? अरे नहीं, एक लड्डू में आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। अच्छा, हाँ और नहीं तो क्या। पुष्पा जी, क्या बताऊं मैं आपको, मेरी लाइफ तो एकदम बोरिंग हो गई थी। मतलब मेरी मैरिड लाइफ से तो पूरा रोमांस ही खत्म हो गया था। ये तो बाबा रंगरसिया का ही चमत्कार है कि मेरी ना रोमांटिक लाइफ फिर से अच्छी चलने लगी है। हाँ? मेरे हस्बैंड बिज्जू, हाँ पता है उन्होंने कितने साल बाद मुझे लव लेटर लिखा है। हाँ? और ये सब बाबा रंगरसिया का ही तो चमत्कार है। पता है मैं तो इतनी खुश हो गई कि मैंने फौरन 5 तोले का हार गले से निकाल कर उनको गिफ्ट कर दिया। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद करिश्मा सिंह, आप पैसे? जी हम वो केस के सिलसिले में गए थे। आपको बताना चाहेंगे मैडम सर, आप बिल्कुल सही थी, ये बात ही पति पत्नी के बीच का है। पत्नी अपना मैरिड लाइफ का रोमांस जो लुप्त हो रहा है उसको बचाने के चक्कर में ऐसा उलझुल हरकतें कर रही है। बाबा रंगरसिया तो सिर्फ इस चीज का फायदा उठा रहा है। हम शर्त हार गए मैडम सर, आप एकदम राइट है और हम टोटल रॉन्ग। और जैसा कि हमने कहा था कि अगर आप सही निकली तो हम बिल्कुल वैसा करेंगे जैसा आप चाहेंगी, हम हाजिर हैं। बताइए हमको क्या करना है मैडम सर। देखिए करिश्मा सिंह, दरअसल बात कुछ ऐसी। मैडम सर, आई एम बिलू द स्पाई एट योर सर्विस। मैडम सर, ये लव लेटर जो विजय ने अपने वाइफ अनीता को लिखा था और बदले में अनीता ने बाबा रंगरसिया को 5 तोला सोने का हार भेंट चढ़ाया। 5 तोला दिखाओ। वो तो बाबा के पास है। अम्मा ये लेटर दिखाओ। हाँ। ऐसा भी का लिखा है इस लेटर में? मैडम
मैडम सर हम गलत नहीं है तो ये हैंडराइटिंग आपका नहीं है? जी बिल्कुल सही, हमने ही लिखा ये लेटर अनीता को विजय की तरफ से, उन दोनों के बीच का खोया हुआ रोमांस वापस लाने के लिए। बताइए, और हम यहाँ ऐसी गिल्ट में मरे जा रहे हैं कि आप कितना सही थी और हम कितना गलत हैं, या तो बात ही कुछ और चल रहा है। देखो करिश्मा सिंह, यही तो बुनियादी फर्क है आपके और हमारे नजरिए में। आप सिर्फ तस्वीर को देखकर कलाकार का अंदाजा लगाती हैं, लेकिन हम रंगों की गहराई में जाकर, क्योंकि रंग ही है जिसके जरिए एक कलाकार लोगों के दिमाग से खेलता है, जैसा कर रहा है ये बाबा रंगरसिया। अनीता जैसी इनोसेंट औरतों का फायदा उठा रहा है, रिश्तों के बीच की दरार को भरने के नाम पर अपनी तिजोरी भर रहा है। ठीक है, उसे लगता है कि वो बहुत बड़ा खेल खेल रहा है, तो हम भी तैयार हैं। अब ये खेल हम खेलेंगे। पनिशमेंट किसने दी? पुष्पा जी ने कि मैडम सर ने? कभी कभी हम सोचते हैं बकलोली में अगर टैक्स लगे तो तुम्हारे मम्मी पापा का तो पूरा जमीन जायदाद बिक जाए। इसको शीर्षासन बोलते हैं, इससे दिमाग ठंडा रहता है, दिमाग ठिकाने पे रहता है और क्रोध शांत रहता है। फिर तो आप ट्राई करो, आपको जरूरत है। तुम ट्राई करो आके, तुम्हारे दिमाग में जो वायरिंग है वो डैमेज हो चुका है ना, वो ठीक हो जाएगा। अच्छा पहले मैं ये सब साइड में कर देती हूँ। हे भगवान, आओ किया इससे पहले कभी नहीं। सर रखो नीचे। हाँ तुम्हारी अब टोपा होगा, नहीं हो रहा है तुमसे। आजा आजा ऊपर आजा। क्या हुआ? नहीं बहुत इजी है, इजी बहुत है, बस हवेली पुरानी है ना, दीवार थोड़ी सी ऐसी है, मुझे सिर्फ सीधी दीवार पे जमता है। तो मैं वैसे भी जॉगिंग करके आई हूँ, तो आप करो, मैं चेंज करती हूँ। पकड़ ले। इसको मारने से हमारा केस सॉल्व नहीं होगा। अगर केस सॉल्व करना है तो कुछ सोचिए, कुछ करिए, या हमको बोलिए ना, हम एक मिनट में रफा दफा कर देंगे केस को। करिश्मा सिंह, आपके भी ये शीर्ष आसन करने से गुस्सा कम नहीं होगा। आप प्राणायाम करिए, तब जाकर शायद आपको ये इतनी सी बात समझ में आएगी कि समस्या बाबा रंगरसिया नहीं है, समस्या है वो अंधविश्वास जो अनीता जैसे लोगों को इस तरह के फ्रॉड बाबा तक पहुंचाता है। ये अंधविश्वास खत्म हो जाएगा, सारे बाबाओं का धंधा अपने आप बंद हो जाएगा। मैडम सर, यस मैडम सर, वो विजय चौहान बाहर आए और अर्जेंटली आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, उनसे कहो वेट करें, हम फ्रेश होकर आते हैं। यस मैडम सर। कितना टाइम भाई? चीता भाई थोड़ी देर और, थोड़ी देर आ जाएंगे। थोड़ी देर ही अब बस आ ही रही है, आ रही है, आ रही है। यस मिस्टर विजय, देखो आ गई। मैडम सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपने लेटर क्यों लिखा? मैं शक्ल से कैसा भी लगूं लेकिन मैं बहुत होशियार आदमी हूँ। देखिए हुआ ये था कि हमें लिखा तो लिखा, आपने पोस्ट भी कर दिया। हम आपको वही बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगा आपको, क्या लगा आपको कि मुझे पता नहीं चलेगा? ये बाबा रंगरसिया क्या कुछ करती क्यों नहीं? ये उसका भूत मेरी बीवी के सर पर चढ़कर बोल रहा है, आपको पता है? दिवाली में हमने जितने गहने लिए थे ना, कंगन हार सब बाबा को देकर आई। उसे लगता है बाबा रंगरसिया के जादू से मैं ठीक हो रहा हूँ। मैं ठीक तो हूँ, मुझे क्या हुआ है? देखिए मैडम, मेरा नाम विजय चौहान है, मैं शक्ल से कैसा भी लगूं लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ। देखिए मिस्टर विजय, अब आप हमारी प्रॉब्लम समझिए। दोनों बार आपकी बीवी ने अपनी मर्जी से उन्हें सोना डोनेट किया, जो कि बिल्कुल भी क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, तो फिर हम किस बिना पर उन्हें गिरफ्तार करें? हम कोई एक्शन नहीं ले सकते। वाह 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 वाह, ये बाबा रंगरसिया हम जैसे लोगों को ठगते रहेंगे और आप कुछ करेंगी भी नहीं। देखिए ऐसा भी नहीं है, पुलिस अपना काम कर रही है,
बहुत जल्द बाबा रंग रसिया की असलियत दुनिया के सामने होगी और वो आदमी सलाखों के पीछे। बस आप थोड़ा सा भरोसा और पेशेंस रखिए प्लीज। मैडम मैडम डोंट माइंड मैडम, पर जब तक आप कुछ करेंगी ना तब तक अनीता पूरा घर लुटा देगी बाबा पर। प्लीज जल्दी कुछ कीजिए मैडम, चलता हूँ। अरे विजय भाई ये लड्डू आप खाओ, आप लड्डू। नहीं 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 मैडम, सर बोल तो दिया है लेकिन अब करेंगे क्या? तभी कहे संतू जी हमको छोड़ क्यों चड्डे को इतना भाव कहे देती? ये तो कहाँ चड्डा कहाँ हम यार। अरे बिल्ले यार, थैंक यू यार बिल्ले यार। ए बिल्ले तुम जान हो यार, जान हो तुम। इट्स ओके इट्स ओके। अरे ये थाना मेरा घर है, घर वालों को बाहर वाला आके कोई चीट करे ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? बहुत सही बिल्लू भैया, मान गए आपको। अरे आप देखो चोर हैं लेकिन आदमी ईमानदार हैं। अमर तुम बिल्लू की तारीफ कर रहे हो कि बेइज्जती? सर तुमको तारीफ बेइज्जती क्या होती, तू निकल ना। छोटे बाबा चांडाल बिल्ले, छोटे बाबा क्यों छोटे बाबा? अब वही है ना जो रंगरसिया बाबा जी के आश्रम में उनके साथ भक्तों की सेवा करते हैं। हाँ मैं करता हूँ सेवा, लेकिन मैं बाबा आशीर्वाद दीजिएगा छोटे बाबा। कृपा बनाए रखे बाबा, कृपा कृपा है प्रेम शांति प्रेम। छोटे बाबा बाबा ये मेरी तरफ से दक्षिणा। रंगरसिया बाबा की जय। रंगरसिया बाबा की जय। प्रेम शांति। देखिए करिश्मा सिंह, हम आपको एक और टास्क देने वाले हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि वो टास्क आप इसलिए करें क्योंकि वो टास्क है या हमने ऑर्डर दिया है इसलिए करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि आप ये टास्क पूरे दिल से फीलिंग्स के साथ और भरोसे के साथ करेंगी, हो पाएगा? अरे नहीं मैडम, सर क्या कर रही हैं आप, कहाँ सर फोड़ रही है? कैक्टस पे कभी गुलाब के फूल खिले आपने कभी सुना है ऐसा? इन्हें ना प्यार करना आता है ना प्यार से बात करना। अच्छा अच्छा आप यहीं बाहर थी कान लगा के खड़ी थी? इज्जत से बात कीजिए कान लगा के, ये क्या बात हुई बात करने की? हाँ वैसे भी हमको आदत नहीं ऐसी काना फूसी करने की, समझ गई ना? अच्छा अच्छा वो तो हम दरवाजे का ऑयलिंग देख रहे थे तो इसीलिए कान पे बात पड़ गई। ऑयलिंग आप चेक कर रही थी? ऐसे तो हमारा घर पूरा ऑयलिंग पे ही चलता होगा क्योंकि क्या है ना आप तो हर दरवाजे खिड़की के पीछे खड़ी मिलती है जब हम लल्ला और हम जब प्राइवेट में बतियाते हैं। हाँ तो बड़े घर के आँख और कान खुले रखने पड़ते कि क्या चल रहा है घर पे। आपकी तरह नहीं है कि परवाह ही नहीं है पति की? हमें परवाह नहीं है पति की और नहीं तो क्या। मैडम जरा पूछिए इनसे, कब हमारे लल्ला ने हमको पिछली बार जिद करके किसी रिश्तेदार के यहाँ भेजा था? कब आपने उनको दूध गर्म करके पिलाया था? हाँ उनकी पसंद की साड़ी पहनी, उनकी पसंद की बिंदी लगाई, बस ड्यूटी से आए यूनिफॉर्म लटकाई बंदूक साफ की टक्कर खाए और फैल कर सो गए। क्या हमारा लल्ला इंसान नहीं है, उसके कोई अरमान नहीं है? देखिए देखिए मैडम सर ओवर एक्टिंग स्टार्ट हो गया पुष्पा जी का। देखा मैडम सर आपने कैसे हमारी भावनाओं को ओवर एक्टिंग कह रही है, मतलब किसी की भावनाओं की कोई कदर ही नहीं है इनको। अच्छा हमें कदर नहीं है तो आपका लल्ला कौन सा खिड़की पे बैठकर हमारे लिए गिटार बजाकर गाने गाता है? नहीं आता हमारे लल्ला को गिटार बजाना, तो गाना क्या सुनाएगा वो? तो सीखे ना, जब उनको पता है कि हमें गाना सुनना कितना पसंद है और हमें गिटार कितना पसंद है तो क्यों नहीं सीखते? हमें ये क्या बात हुई? नहीं मतलब हमको तालाब पसंद था तो क्या तुम्हारे ससुर रोज एक मगरमच्छ पकड़ कर लाते तो अब हमको उनके प्यार पे यकीन होता? करिश्मा सिंह वैसे पुष्पा जी बात तो ठीक कह रही है, पार्टनर्स को एक दूसरे को प्यार दिखाने के लिए थोड़े बहुत एफर्ट्स तो करने ही चाहिए। यही छोटी छोटी बातें होती हैं जो एक रिश्ते को लंबे समय तक बांधे रखती है और यही है हमारे इस केस का सलूशन। विजय और अनीता के बीच खोया हुआ प्यार, वो रोमांस हमें वापस लेकर आना है। हाँ तो आपने ट्राई किया तो था मैडम सर, आपने लव लेटर लिखा तो था अनीता को विजय के बिहाफ पे। क्या किया अनीता ने, खुश होकर बाबा को 5 तोला सोना दान में दे दिया। करिश्मा सिंह आप चीजें अलग तरीके से समझती हैं और हम उन्हें असलियत में समझते हैं। जब हमने अनीता को विजय बनकर लेटर लिखा तो अनीता ने क्या किया, वो लेटर जाकर सीधा दे दिया बाबा रंगरसिया को, विजय को नहीं दिया। इसका मतलब एक ही है कि दोनों के बीच कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है और अब यही प्रॉब्लम उनके बीच की दूरियों को दूर करेगा। मैडम सर आप जानती हमें ये गोल गोल बात समझ में नहीं आता, अगर आप हमें सीधा सीधा बता देंगी तो आपका मेहरबानी होगा। तो सीधे सीधे आप अनीता बनकर विजय को एक रोमांटिक सा लेटर लिख दीजिए।
पुष्पा जी से ही है मैडम से। आपने गलत इंसान चुन लिया इस चीज के लिए, हमसे नहीं हो पाएगा। क्यों? आप ही ने तो कहा था ना कि आपका प्रेम विवाह हुआ है और आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। कहाँ गया वो रोमांस? लाइए उसे बाहर और लिखिए लेटर। जब भी हम सोचते हैं कि अब आपके पास क्या बचा जज्बात के नाम पर कहने के लिए, फिर आप एक नया एंगल ले आती है जज्बात का। कुछ भी हो मैडम सर, पर कुछ तो बात है आप में जो आप अपना हर बात मनवा लेती हैं। ठीक है, हम कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन हम प्रॉमिस नहीं करते कि कैसा होगा लव लेटर। जयंत मैडम सर। हाँ सुनिए ना, वो आपसे थोड़ा काम था हमें, ज़्यादा कुछ नहीं। आप बस हमें ये बताइए कि वो लेटर कैसे लिखते हैं, रोमांटिक लेटर। हम हद है, आपसे नहीं पूछेंगे तो पड़ोसी से पूछेंगे, पति तो आप है ना हमारे। एक काम कीजिए आप, रहने दीजिए, आप बिजी है ना, हम आपसे बाद में बात करते हैं। अरे हाँ हाँ लल्ला, कुछ नहीं हुआ है उसे, एकदम ठीक है बहू रानी। हाँ हाँ उसका दिमाग भी ठीक है, कोई दौरा वौरा नहीं पड़ा है उसे। तुम क्यों चिंता कर रहे हो इतनी? अरे कह रहे ना वो ठीक है, काम पे ध्यान दो। तुम क्या रेंग रहे हो यहाँ पे? हाँ तुम दांत मत फाड़ो, दिख रहा है हमें। नहीं होगा तुमसे, ये जो फाइल का काम है ना वो तुमसे नहीं होगा, हम कह रहे हैं। इस लात मार के कौन लव लेटर लिखता है? प्रेम पत्र लिखने के लिए स्वयं में प्रेम की अनुभूति होना अत्यंत आवश्यक है। पहले स्वयं में प्रेम भावना उत्पन्न होनी चाहिए, तभी तो तुम अपना प्रेम अपने शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर पाओगे। मैडम सर, माशाल्लाह करिश्मा सिंह आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। कहीं जा रही हैं या कहीं से आ रही हैं? मैडम सर हमने बहुत ट्राई किया, हमने लेटर लिखा, हमने बार बार लिखा, लेकिन फीलिंग नहीं आ रहा था। तो हमने सोचा क्यों ना कि ऐसे लिखा जाए, कुछ लिखे हैं शायद आपके काम आ जाए, आप देखिए। अरे वाह, क्या माँ कसम लग रहे हो मैडम आप। आ,
करिश्मा मैडम ही है। भगवान का शुक्र है बाकी सब तो पहले जैसा है, वरना हम तो डर ही गए थे। क्यों कुछ कहना जरूरी है तुमसे, क्यों कहकर ही कह पाऊंगी तुमसे, क्यों जरूरत है मुझे कहने की जो कहना है तुमसे। महसूस तो तुमने भी किया होगा ना, महसूस तो तुमने भी किया होगा वो प्यारा सा एहसास जो तुम्हें देखकर होता है। महसूस तो तुम भी करते होंगे ना, बहुत अच्छा लगता है तुम्हारा पढ़ाई के बहाने अपने घर से निकलकर रात भर मेरे घर के बाहर खड़े रहना, सिर्फ मेरी एक झलक पाने के लिए बेकरार रहना। तो भी 12वीं में हमारे लल्ला के नंबर इतने कम आए थे, रात रात भर किसी के घर के सामने खड़ा जो रहता था। मैं जानती हूँ कि अब हम दोनों ही उस छोटे छोटे एहसासों को पता नहीं कहाँ कहाँ भूल आए हैं, जीवन की आपाधापी में उन खुशियों को कहीं रख कर छोड़ आए हैं। जानती हूँ जिंदगी की बदलती तस्वीर ने तुम्हें भी बदल दिया है, जिम्मेदारियों ने थोड़ा सा तुम्हें भी अपने जैसा कर दिया है। चलो एक बार फिर उन एहसासों को ढूंढ लाते हैं, रखकर भूल गए हैं जहां वहीं से फिर बटोर लाते हैं। चलो जीते हैं फिर से कुछ पल साथ, चलो फिर वो पहला वाला प्यार दोहराते हैं। क्या बात है करिश्मा सिंह। मैडम आपने लिखा है ये लेटर, सुपर्ब। सुपर्ब, अरे वाह मैडम वाह वाह, क्या लिखी है मैडम, मतलब ये तो कमाल हो गया। नहीं तो आपको देखकर कौन इसे बोल सकता है कि आप जैसी ठोस चट्टान जैसी दिखने वाली औरत के अंदर ऐसे मतलब प्रेम का धरा प्रवाह धरिया फूट सकता है। हमारी बहू कवयित्री, हमको तो मालूम ही नहीं था। बहुत बढ़िया लिखा है। क्या बात है करिश्मा सिंह, आपने अपने दिल के जज्बात निकाल कर लिख दिए, हमें तो पता ही नहीं था कि आपका इतना प्यारा दिल भी है। आप भी इतनी समझ लीजिए मैडम सर, दिल से निकला बात जो होता है ना वो दिल तक पहुंच ही जाता है। चीता चतुर्वेदी और बिल्लू, करिश्मा सिंह का लिखा हुआ लेटर और हमारा लिखा हुआ लेटर, ये दोनों विजय और अनीता के पास पहुंच जाना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि ये हमारा काम है। क्लियर हो जाएगा मैडम सर? शक हो जाएगा। उफ, मासूमियत। संतू जी काम हो जाएगा। गुड। वैसे मैडम सर एक बार आपका लिखा हुआ लेटर भी पढ़ी लेते ना, पता चल जाएगा कि भेजने लायक है कि नहीं। मैं तो भूल गई थी, वो आप तो मुशायरा विनर है, आपका लेटर तो अच्छा ही होगा। गो अहेड। जी जय हिंद मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। वैसे करिश्मा सिंह ये साड़ी आपने खुद पहनी थी या किसी की मदद ली थी? एक बार करिश्मा सिंह साड़ी कब पहनेगी? क्या पूछ लो? अरे नहीं यार अच्छा नहीं लगता। हाँ पूछ रहे पूछ पूछ। मैडम सर वो जा पूछ रहे हो हमें हमारे टोपा होगा। हाँ अरे मैडम जी इनको ना एक जानकारी चाहिए कि आप। जय हिंद मैडम सर। यहाँ इनको भी अभी आना था। मैडम सर काम हो गया, अनीता और विजय तक लेटर पहुँच गया। और जैसे ही विजय ने वो लव लेटर पढ़ा ना वो एकदम खुशी से गदगद हो उठा और फूल वाले के पास गया और उसने वहां से फूलों का एक ऐसा बुफे लिया। बुके? अरे तो ऐसे बोलो ना, फूलों का गुलदस्ता। तुम लोग का ना इंग्लिश वीक है, तुम बोलो ना। हाँ मैडम सर हम ना अनीता के पीछे गए थे, जैसे वो लेटर पढ़ी ना उसके बाद से उड़ते हुए सीधा सब्जी मार्केट में गई और खूब सारा भिंडी खरीद के फिर उड़ते हुए अपने घर वापस चली आई। हाँ हाँ विजय को भिंडी बहुत पसंद है, अनीता बता रही थी हमको। मैडम सर हमको लग रहा है हमारा प्लान काम आ रहा है। हाँ लगता तो है, हो सकता है कि बहुत जल्द ये बाबा रंगरसिया इन दोनों की जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाए और फिर शायद कोई बाबा कभी आए ही नहीं। करिश्मा सिंह आपको अनीता के बिहाफ पर विजय को एक और लेटर लिखना होगा।
हम एक बार लिख चुके हैं मैडम सर, अब हमसे दोबारा नहीं होगा। देखिए, अगर हमारी एक कोशिश एक टूटे हुए रिश्ते को फिर से बना दे, उस मुरझाए हुए रिश्ते में नई जान डाल दे, तो इससे बड़े सुकून की बात और क्या हो सकती है। देखिए, हमें आप पर पूरा भरोसा है, आप कर लेंगी, ठीक है करिश्मा सिंह? जी जी मैडम सर। अभी? हाँ, वो कपड़ा चेंज करने ही जा रहे हैं मैडम सर। नौटंकी चल रही है तुम्हारी, काम पे ध्यान दो। सारा जमाना हमारे प्यार का दुश्मन है ससुर। योगी जी। बाबा। अरे भाई, हमारी एक बालिका हुआ करती जो हमारी बहुत बड़ी भक्ति अनीता, वो दिखाई नहीं दे रही है आजकल, क्या बात है भाई? थोड़ी व्यस्तता रही होगी बाबा, किसी कार्यवश नहीं आ सकी होगी। योगी जी बाबा, जीवन के दो पहलू होते हैं, कभी खुशी कभी गम। इन दोनों पहलुओं के बारे में हमारे भक्तों का ध्यान होना चाहिए, वरना बैलेंस बिगड़ जाता है बच्चे। मैडम सर, मैडम सर। बिल्लू बिल्लू रिलैक्स रिलैक्स, कहाँ से भागे भागे आ रहे हो? बाबा के आश्रम से। वहाँ पे भी चोरी के लिए सबके सब मारने के लिए भाग रहे थे ना आपके पीछे। वाह, रॉन्ग, ये सब कुछ मैंने छोड़ दिया है। मैडम सर, बाबा के बारे में एक इम्पोर्टेंट खबर देनी थी, इसीलिए भागा भागा आया हूँ। सांस ले लो, सांस ले लो। हाँ, अब बताओ। मैडम सर, अनिता आई थी आश्रम में और बाबा को थैंक यू बोल रही थी, मतलब वो कह रही थी बाबा को कि अभी विजय एकदम ठीक है, बाबा की जरूरत नहीं है, इसलिए आखिरी बार बाबा का शुक्रिया अदा करने आई थी। हाँ, तो का बोले बाबा फिर? अगर ये किसी ने नहीं पिए तो मैं पी लूं। हाँ? सर, कैसा अजीब सा बात बोल दिया बाबा? बाबा नहीं बोला, मैं पूछ रहा हूँ, अगर ये चाय किसी ने नहीं पिए तो मैं पी लूं क्या? तुम ना मुद्दे पे रहो, ये तो एक घुसंड लगाएंगे ना अभी। बताओ फिर क्या हुआ? वो क्या बोलेगा, सोनी के अंडे देने वाली मुर्गी हाथ से चली जा रही है, वो क्या बोलेगा? उसकी बोलती बंद, हालत खराब, उसका वॉल्यूम बंद। अनीता तो आखिरी बार टाटा बाबा करके चली गई। बहुत अच्छी खबर लाए हो बिल्लू। केस सॉल्व मैडम सर। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैडम सर। मैडम, हसीना मैडम, हसीना मैडम का है? हाँ। चीता भाई, हसीना मैडम बुलाई। हाँ, 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 क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं? हमें तो लगा कि अब सब कुछ ठीक हो रहा है। मैडम, मेरा नाम विजय चौहान है, मैं शक्ल से कैसा भी लगूं लेकिन मेरा रहा सहा सब बर्बाद हो गया मैडम। मैडम, आपको पता है मेरी बीवी अनीता मुझे छोड़कर जा रही है। क्या? हाँ?
कल बाबा रंगरसिया के आश्रम से हमें फोन आया कि वो हमें आखिरी बार मिलना चाहते हैं, तो हम उनके आश्रम चले गए। हमें बड़ी खुशी मिलती है कि हमारे आशीर्वाद से हमारे भक्त को उसकी मोहब्बतें, उसकी चाहतें, उसकी साथियों से मिल जाते हैं। लेकिन उतना ही दुख होता है जब हमें पता चलता है कि उसकी खुशियाँ सारी डुप्लीकेट हैं, तो बड़ा बाबा को दुख होता है। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? वो सारा चमत्कार उन पत्रों का तो है जो विजय को मिली। अब सवाल ये है कि बाबा ये पूछना चाहते हैं कि तुमने उनको पत्र लिखा या नहीं। नहीं बाबा जी, मैंने इन्हें कोई प्रेम पत्र नहीं लिखा है। क्यों झूठ बोल रही हो तुम? तुमने मुझे कोई लव लेटर नहीं लिखे? नहीं। तो सारे लव लेटर्स के आसमान से टपक रहे थे। शांत शांत शांत, क्या कर रहे हो मेरे बच्चे? गलत है, बाबा के सामने झगड़ा फसाद अच्छी बात नहीं है बेटा। आप है, यही तो प्रॉब्लम है। शांत बालिक, शांत। बाबा ये चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं हूँ ना। ऑफकोर्स मैं हूँ, लेकिन क्या करें बालिक, अब तो तुमने बाबा के आश्रम में आना ही छोड़ दिया है। नहीं 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 बाबा जी, मैं आश्रम आना नहीं छोड़ूंगी और ना ही मैं आपको छोड़ूंगी। आज ही छोड़ दूंगी मैं अपने पति का घर, नहीं रहना मुझे ऐसे झूठे इंसान के साथ बाबा जी। और अब अनीता मुझे छोड़कर जा रही है। मैडम मेरा नाम विजय चौहान है, मैं शक्ल से कैसे भी लगूं, लेकिन अपनी बीवी के बगैर मैं रह नहीं पाऊंगा, मैं नहीं रह पाऊंगा उसके बगैर। मैं क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैडम। मिस्टर विजय प्लीज रिलैक्स, आप शांति रखिए, हम हैं, हम कुछ करते हैं, ठीक है? अरे क्या शांत हो जाइए मैडम, झूठी तसल्ली मत दीजिए मैडम। अगर आपने कुछ किया होता तो मेरी पत्नी मुझे छोड़कर नहीं जा रही होती। इससे तो अच्छा है मैं बाबा को अब भी जाकर डबल सोना देकर आता हूँ, कम से कम मेरी बीवी तो मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। मिस्टर विजय आप, मैडम सर ये बाबा तो बहुत चतुर निकला, हमने लव लेटर लिखा था ताकि इन दोनों में प्यार हो जाए वापस से, लेकिन उस बाबा ने तो प्यार में ही फूट डाल दिया। मैडम सर आपने बहुत गलत किया, बाबा को बहुत हल्के में ले लिया, और ऊपर से इनसे आपने लव लेटर लिखवाया, इन्होंने साड़ी पहनी तो सारी दुनिया इनको साड़ी में देखकर बेकाबू हो गई, लेकिन बाबा हमारे काबू में ही नहीं आ रहा है। आपको करिश्मा सिंह, गलती हमारी है, अब तक हम बीमार का इलाज कर रहे थे, लेकिन हमें इलाज बीमारी का करना होगा। अब इस बीमारी का इलाज हम करेंगे अपने तरीके से। तो ये रंग रसिया बाबा एक साल पहले तक लोकल थिएटर में ब्लैक में टिकट बेचता था, शाहरुख खान का इतना बड़ा फैन है कि नॉर्मली बात करते करते दो चार फिल्मों के नाम तो निकल ही जाते थे। अब क्योंकि लॉकडाउन के दौरान इसका ये ब्लैक में टिकट बेचने का जो धंधा है ये पूरा बंद हो गया था, तो इसने लड्डू बनाना शुरू कर दिया। अब लॉकडाउन के दौरान दाढ़ी भी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी इसकी कि कुछ लोगों ने इसे बाबा समझना शुरू कर दिया, बैठे बैठाए पैसे कमाने लग गया, इसने खोल दिया आश्रम और बन गया रंगरसिया बाबा। ये तो बहुत बढ़िया बात है मैडम सर, फिर इंतजार किस बात का, उसको उसी की केस के लिए उठाकर लाते हैं, उसको खिलाते हैं थाने का लड्डू और वो सब पक देगा देखना। नहीं करिश्मा सिंह, अभी ऐसा करना ठीक नहीं होगा। अरे मैडम सर, गलत इंसान के साथ क्या ठीक और क्या सही, वैसे भी आपने अपना सही तरीका ट्राई करके देख लिया ना, क्या कुछ नहीं किया, लेटर लिख दिया, साड़ी पहन ली, हर वो चीज की जो आप चाहते थे, लेकिन क्या रिजल्ट निकला, वही ठाक के तीन पाल, वो तो खुले सांड की तरह अपना धंधा भी चला रहा है। अब कहाँ है, बीच में काई काई करी जा रही हो? मैं तो बस ये कहना चाहती थी मैडम कि रंगरसिया बाबा को पहले के कोई भी केस में आप ऐसे उठा नहीं पाएंगे। क्यों नहीं उठा सकते? क्योंकि कोई केस ही फाइल नहीं है उनके अगेंस्ट, आज तक कभी पकड़ा ही नहीं गया ना वो बाबा। हाँ तो केस नहीं है तो बना देंगे। नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, हम ऐसी कोई गलती नहीं कर सकते जिससे वो बाबा रंगरसिया फिर से हमारे हाथ से निकल जाए। हमने बिल्लू और चीता को भेजा है उसके आश्रम उसकी कहानी पता लगाने के लिए। बाबा रंगरसिया की जय हो। बाबा रंगरसिया ये हमारे मित्र है, ये एक लड़की पे लट्टू है, बस आप उनको ना अपना एक लड्डू दे दो, वो लड़की इनको फटाक से पट जाएगी बाबा। जी बाबा। अरे बेटा हमारी बात मानोगे तो लड़की की माँ भी प्यार करेगी,
नहीं बाबा, हमको माँ नहीं चाहिए, हमारे लिए लड़की काफी है। पागल, अरे मैं माँ वाला प्यार कह रहा हूँ बेटा, माँ वाला प्यार। माँ तो प्यार कर सकती है ना, बेटी गर्लफ्रेंड वाला प्यार करेगी, ये कहने का मकसद था मेरा। जी बाबा। एक काम करो, ये लड्डू ले जा करके अपनी गर्लफ्रेंड को खिला देना, फिर देखना दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। धन्यवाद बाबा, धन्य हो गए हम, चलते हैं। अरे 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 अरे, हाँ कुछ भूल तो नहीं रहे बेटा? अरे कैसे भूल सकते हैं हम, हमको हमेशा याद रहता है बाबा, संतू जी को कभी भूल ही नहीं सकते हम। नादान है। अरे हाँ हाँ, अलविदा बाबा। कभी अलविदा ना कहना बेटा। बिल्कुल बेटा। संभाल 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 के संभाल के। कितना प्यारा बच्चा है, सब के जाओ। मेरा कमीशन इसी तरह एक्टिव रहो भक्त बंधु, बहुत तरक्की करोगे। बाबा से बोल के इस बंदे को ऐसे फंसाना कि बाबा के शिकंजे से ये कभी निकल ही नहीं पाए। एक बार यहाँ आने के बाद बाबा के शिकंजे से कोई निकल सका है? हाँ, लेकिन मैंने सुना है कि बाबा की भक्त तो वो अनीता, वो तो उसका काम होती है बाबा को छोड़ चली। असत्य, बिल्कुल असत्य। यहाँ आने के बाद बाबा की इच्छा के विपरीत यहाँ से कोई नहीं जा सकता है। वो देखो अनीता आ रही है। ओ, प्रेम शांति, प्रेम शांति। ये कैसे हो गए प्रेम शांति, प्रेम शांति? बाबा ने हमें कहा था इसके पति पर नजर रखने। जब हमने इस पर नजर रखी तो पता चला रोज उसे एक लड़की लेटर पहुंचाती है। अरे असली बात तो तब पता चली जब हमने वो लेटर बाबा को दिखाया। तो ये है बाबा रंगरसिया के काम करने का तरीका। यस मैडम सर। वो अपने भक्तों पर नजर रखवाता है ताकि जब तक अपने भक्तों की जमा पूंजी का एक एक कतरा निचोड़ नहीं लेता, कोई उसे छोड़ ना पाए। मैडम सर, जल्दी हमें कुछ करना पड़ेगा, ये बाबा तो बहुत बड़ा धोखेबाज है। मैडम सर दीजिए ना हमें परमिशन, हम जाएंगे अपने तरीका से इस केस को निपटाएंगे। नहीं, कोई आदमी कितना ही बड़ा रसूखदार क्यों ना हो, है तो इंसान ही इंसान है, तो रिश्ते हैं, रिश्ते हैं तो उलझने हैं, और जब तक उलझने हैं तब तक उनका फायदा उठाने वाले ऐसे फ्रॉड बाबा हैं। हो सकता है कि इस बाबा रंगरसिया के भी कुछ रसूखदार कॉन्टैक्ट्स हों जो खामखा बीच में आकर हमारे लिए एक नई मुश्किल खड़ी कर दे। रसूखदार क्या होता है? नहीं मालूम। पुष्पा जी, सीनियर कांस्टेबल हैं आप। इसलिए हमें जो कुछ भी करना होगा बहुत सोच समझ कर और सबूतों के साथ करना होगा, और इस आदमी की असलियत को दुनिया के सामने लाना होगा। कैसे लाएंगे मैडम सर, कैसे बाबा का असलियत सबके सामने लाएंगे? अब वो खुद तो चलकर आएंगे नहीं और बोलेंगे कि हमारा गलती हो गया है, हमें अंदर कर लीजिए। क्यों, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? मगर कैसे मैडम सर? यहाँ ये सब, आइए आइए। क्लियर? पुष्पा जी, आपने तो कहा था अनीता यहीं पे आती है हर रोज, कहाँ है? आती होगी, आती होगी, यहीं तो आती है वो। वो देखो कहाँ आ गई, कितने सुंदर फूल है। अपने साइड टेबल पे रखूंगे तो बहुत अच्छा लगेगा ना। कौन कौन सा कलर लू अगर मैं लू तो? रेड वाला, पिंक वाला। संतु संतु संतु, हम अनीता के लिए आए हैं तो उसका इंतजार करें। ओके। अरे अनीता, अरे क्या हुआ, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? अरे क्या हुआ, घर में सब ठीक ठाक तो है? पुष्पा जी, अब आपसे क्या छुपा रहा? पुष्पा जी कुछ भी मत छुपाओ, बोलो। आपको पता है मैं अपने पति पे कितना प्यार लुटाती थी,
मेरा पति वो किसी और पे प्यार लुटा रहा है। वो धोखेबाज निकला। अरे एक मिनट। पुष्पा जी, अच्छा एक बात बताओ, कौन है वो औरत? कौन है? हाँ वही तो पूछ रही हूँ, कौन है? अरे मैं पूछ रही हूँ पुष्पा जी कि ये कौन है? ये हाँ। ये संतोष है। कौन संतोष? संतोष ओ, बड़ी बहन ही समझो, छोटी बहन बेटी। इसे छोड़ो ना, तुम ये बताओ तुम्हें कैसे पता तुम्हारे पति का किसी दूसरे के साथ चक्कर चल रहा है? तुमने उसे देखा क्या? नहीं, लेकिन मैंने वो लव लेटर देखे हैं जो उस कलमोई ने मेरे पति को लिखे। बताए पुष्पा जी, वो ना पहले की तरह मेरे लिए आजकल रोज फूल लेकर आते थे, तो मुझे लगा कि हमारे बीच का रोमांस ना फिर से जाग रहा है। लेकिन पुष्पा जी बाबा रंगरसिया की जय हो। जय। बाबा ये कन्या बड़ी तकलीफ में है, इसका कष्ट दूर करो बाबा। बालिके तुम खड़े क्यों हो? बैठ जाओ बालिके। बाबा रंगरसिया के आश्रम में आ गई हो, सारा काम सही होगा। विराजमान हो जाओ बालिके। बालिके तुम्हारा नाम क्या है? सुंदरी। अब बाबा को कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा नाम सही रखा है या नहीं? भाई घूंघट तो उठाओ, बाबा से क्या शर्माना? नहीं वो हमने ना अपने पति के लिए मन्नत मांगी है, तो जब तक वो मन्नत पूरी नहीं हो जाती हम किसी को चेहरा नहीं दिखाएंगे। बाबा मन्नत शाहरुख का बंगला, बाबा क्या कोइंसिडेंस है? तो बताओ बालिके ये बाबा रंगरसिया तुम्हारे लिए क्या कर सकता है? बाबा आप पूछ रहे हैं कि आप क्या कर सकते हैं, जबकि सब कुछ तो आप ही ने गड़बड़ किया है। हमारी वजह से? बाबा रंगरसिया के ऊपर इस तरह के आरोप लगते हैं तो हमें कुछ कुछ होता है बालिके। ओह आपकी भक्त अनीता, उसका पति विजय, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं बाबा, और विजय अपनी पत्नी अनीता को छोड़कर हमसे शादी करने वाला था। हम दोनों रोज एक दूसरे को प्रेम पत्र लिखा करते थे। मतलब तुम वो लड़की हो जो विजय को लेटर लिखा करती थी? जी बाबा, लेकिन आपने वो प्रेम पत्र अनीता को दिखाकर सब कुछ गड़बड़ कर दिया। अब तो विजय हमसे बात ही नहीं कर रहा, हमारे फोन ही नहीं उठा रहा। अब आप ही बताओ बाबा हम क्या करें, कौन करेगा हमारी मदद? मैं हूं ना। हाँ बाबा कुछ भी कीजिए, लेकिन बस विजय को हमारी जिंदगी में वापस ले आइए। हो जाएगा, सब हो जाएगा। लेकिन बालिके उसकी चिंता आप मत करिए, आप जितना सोच रहे हैं उसे दोगुना ज्यादा सोना आपको ला कर देंगे। बस हमारी जिंदगी में हमारा प्यार वापस ले आइए। आ गया समझो, दिल से जितना चढ़ा सको चढ़ा दो सोना, तो फिर बाबा का प्रसाद लेके जाओ और विजय को खिलाओ, फिर देखना जिंदगी भर तुम्हारे लिए प्रेम गीत गाता रहेगा विजय बाबा। बाबा रंगरसिया की प्रेम शांति, प्रेम शांति। बाबा एक बात कहूँ, बुरा मत मानो। बोलो बच्चा। अनीता पहले से ही आपकी भक्त है, फिर आपने इनको हाँ कैसे कर दिया? बच्चा जो दे ज्यादा सोना उसी का है बाबा के दिल का कोना कोना। हाँ बस पहुंच रहा हूं, आधे घंटे में पहुंचता हूं। Thank you.
आपसे कुछ बात करना है हमको। लेकिन हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है। इरादा भले ही नेक हो आप लोगों का, लेकिन मेरी बीवी मुझे छोड़कर जा रही है आप लोगों की वजह से। क्या जरूरत थी लव लेटर्स का झूठा नाटक करने की? अब हमारा बात तो सुनो। हमें कोई बात नहीं सुननी है। अब क्या चाहती हैं आप मुझसे? इतना सब कुछ हो गया है। हमारा टोपा हो गया। मतलब तुमको क्या लगता है पुलिस के पास एक ही केस है सॉल्व करने के लिए? हम आए थे तुम्हारे पास कि भैया हमने बहुत टाइम से ना अपने पति को लव लेटर नहीं लिखा, तो एक मौका दे दीजिए हमें लव लेटर लिखने के लिए। या तुम आए थे हमारे पास कि तुम्हें पीछा छुड़वाना अपनी पत्नी का वो बाबा रंगरसिया से? कोशिश की है ना हम, ऐसा कोशिश की कि हमारे इमेज का चूरन लग चुका है ना। हम एक भोकाल पुलिस ऑफिसर से हम एक लचीले लव गुरु बन चुके हैं। क्यों बने हम लव गुरु? क्यों? ताकि तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का जो प्यार खो चुका है वो वापस लौट कर आ जाए। अपने तरीके से हम सब ट्राई कर चुके हैं और तुम फिर भी हमको आंख दिखा रहे हो। सुंदरी, शांति शांति, प्रेम शांति, प्रेम शांति। पकड़ना शिष्य। बाबा। हाँ। ये मेरी तरफ से आपको भेंट। अरे इसकी क्या जरूरत थी? अब इतने प्रेम से आप लेकर आई हैं तो बाबा रंगरसिया मना भी तो नहीं कर सकते क्यों? लाओ भाई, संभाल के रखना भाई। मैं गरीब को दे दूंगा। अवश्य बाबा। प्रेम शांति। देखो बालिके, हमने अपनी शक्ति का पावर का इस्तेमाल करके बड़े ध्यान से लड्डू तुम्हारे लिए बना है। इसे तुम्हें कुछ नहीं करना है। इसे 4 लड्डू सुबह 4 लड्डू शाम विजय को खिलाने हैं। फिर देखना हमारे इन लड्डुओं का कमाल। अनीता और विजय के बीच में कैसे 1-2 का 4 होता है आप सोच भी नहीं सकती। बहुत जल्द विजय अनीता को छोड़कर तुम्हारे पास आएगा और तुमसे विवाह करेगा। ये बाबा का वादा है। सच्ची बाबा? अरे तो क्या बाबा झूठ बोल रहे? ये लो बालिके। यही एक तरीका था तुम्हारी असलियत अनीता को दिखाने का, बाबा रंगरसिया। देखो अनीता, बिना पूरा सच जाने कभी भी किसी के लिए कोई राय नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि पूरा सच तो ये है कि जो खत तुम्हें विजय के नाम से मिल रहे थे और जो विजय को तुम्हारे नाम से मिल रहे थे वो सारे हम ही लिख रहे थे। क्या? तुम्हें और विजय को मिलवाने के लिए। अब कहाँ ले जाना चाहती है आप मैडम? देखो भैया, क्लाइमेक्स चल रहा है, टाइम नहीं है। तुमको हम बाबा के आश्रम ले जा रहे हैं कहानी का दी एंड करने। चलिए बैठिए 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 बैठिए। सोने के बदले आशीर्वाद वाले लड्डू, घूंघट में आई हुई सुंदरी, वो हम ही थे। रिपोर्टर सनी की मदद से तुम्हारा कच्चा चिट्ठा रिकॉर्ड कर रहे थे। ये रहा वो पेन ड्राइव लड्डू बाबा, जिसमें तुम्हारा कन्फेशन रिकॉर्ड हुआ है। और ये रहा वो कैमरा जिससे हसीना मैडम ने, ओ मेरा मतलब सुंदरी जी ने, तुम्हारा कन्फेशन रिकॉर्ड किया था। अब तुम्हारा खेल तो खत्म लड्डू बाबा। कल के फ्रंट पेज में तुम्हारे नाम की हेडलाइन छपने वाली है। इतना बड़ा धोखा? मैंने तुम पर भरोसा किया था, तुमने मेरे भरोसे का ऐसा फायदा उठाया। मुझे नहीं पता कि कानून तुम्हें क्या सजा देगा, लेकिन तुमने मेरे साथ और इन लोगों के साथ जो धोखा किया है ना, इसके लिए भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। जाइए पीछे। जितनी गलती इस बाबा की है उतनी ही गलती आप सब की भी है, और आप दोनों की भी। अरे ये आदमी तो है ही फ्रॉड, इसका तो काम ही है लोगों को धोखा देना, लेकिन आप जैसे पढ़े लिखे लोग इन्हें मौका दे देते। एक बात बताइए, झगड़ा किस घर में नहीं होता? कॉम्प्लिकेटेड कौन सा रिश्ता नहीं होता? एक झगड़ा हुआ नहीं कि उसे साथ में बैठकर सुलझाने की बजाय आप ऐसे फ्रॉड बाबा के पास चले आते हैं, सारी जमा पूंजी सारा पैसा सब कुछ लुटा देते हैं। क्यों? एक लड्डू के बदले में? आपको सच में लगता है कि एक लड्डू रिश्ता ठीक कर देगा? रिश्तों को जरूरत होती है परवाह की,
जज्बात की, प्यार की, इस तरह के फ्रॉड लोगों की और उनके लड्डू की नहीं। और अगर आप लोग ये करेंगे ना तो इसके बाद फिर इन लोगों को मौका नहीं मिलेगा दोबारा किसी का फायदा उठाने का। इसलिए प्लीज छोटे मोटे झगड़े खुद सुलझाइए, बैठकर एक दूसरे से प्यार से बात कीजिए। बात करने से सब कुछ हल हो जाता है, सारे रिश्ते ठीक हो जाते हैं। और अगर आप लोग ये करेंगे ना तो इसके बाद फिर इन लोगों को मौका नहीं मिलेगा दोबारा किसी का फायदा उठाने का। उम्मीद करते हैं आपको ये बात अब समझ में आ गई होगी। चीता चतुर्वेदी, गिरफ्तार करो इसे। जी मैडम सर। मुंह का ताक रहे हैं, चलिए ससुराल जाने का समय हो गया। सॉरी अनीता। तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो बिच्चू? सारी गलती तो मेरी है, मुझे माफ कर दो प्लीज। नहीं अनीता, गलती हम दोनों की। वैसे आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप लोग नहीं होते तो मुझे मेरा विजू नहीं मिलता। थैंक यू सो मच। प्रेम पत्र भी लिख लिए, साड़ी भी पहन लिए, लिपस्टिक भी लगा लिए भड़के कलर वाला, और सभी ऑर्डर्स आपके फॉलो किए हैं हमने फुल जज्बात के साथ। मैडम जज्बात ज, आप तकलीफ मत कीजिए। तकल्लुफ। तो मैडम सर, हमें लगता है कि हम तैयार हैं हमारा सीआर रिपोर्ट लेने के लिए, एसएचओ की पोस्ट संभालने के लिए। तो दे दीजिए हमें हमारा सीआर रिपोर्ट ताकि हम भी आगे बढ़े और आप सबका नाम रोशन करें। विजय चौहान को डराना धमकाना क्या जरूरी था? अरे मैडम सर, यही तो इनका असली चेहरा है। लात घूंसे, थप्पड़, मुक्का, उसके बिना चलती कहां इनकी। आपको बीच में बोलना जरूरी था पुष्पा जी। तो क्या गलत कहा हमने? सब लोग तो जानते हैं। का सब, सब का जानते हैं। बस कीजिए आप लोग। करिश्मा सिंह, आपको सीआर रिपोर्ट चाहिए ना? जी। चलिए दिया, एक शर्त पर। वादा कीजिए कि आज के बाद आप पुष्पा जी से कभी लड़ाई नहीं करेंगे। वादा, वादा, हम पुष्पा जी से कभी लड़ाई नहीं करेंगे आज के बाद। अरे मैडम सर, आप इन पे बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। आप मुड़ी नहीं कि इनका झगड़ा शुरू हो जाएगा। बिना लड़े इनकी चलती कहाँ है? घर के भड़ास थाने में उड़ निकालनी जो होती है। इनको ना बहुत अच्छा लगता है हम पे धौस जमाने में। वो तो सीनियर है यहाँ हमारी, इसलिए हम चुप है, वरना ना हम तो मरना। क्या मतलब? आपको आपको इज्जत पचता ही नहीं है। कुछ नहीं बोल रहे तो कुछ भी बोलती जाएंगी। अरे हम सब जानते हैं, कौन सी इज्जत दे रही है आप हमको। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।